हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी सी ए फाइनल ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की फर्स्ट ट्रैक बैच में जिसको नाम देते हैं हम ऑडिट फास्टर चलिए इस लाइव बैच में सबसे पहले एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून हो जाए चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग या चलिए ओ हो हमारी फास्टर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं चलिए एवरीथिंग थिंग्स फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग एंड ऑल गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक्साइटेड फॉर द लाइव बैच नाइस टू सी चलिए बहुत बढ़िया वंडरफुल दोस्तों तो ऑडिट सी ए फाइनल का हमारा एक ऐसा पेपर जिसको पॉसिबली कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि अगर हमें और हमारी सी ए के डिग्री के बीच में कुछ है तो वो ऑडिट का पेपर है ऐसा नहीं है सर कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनके बीच में कोई है तो वो आई सी आई है इसके बीच में कोई है तो वो है जो हमें पढ़ने नहीं दे रही है इसके बीच में है तो कोई पेपर है जैसे कि ये आपका ऑडिट का पेपर

सबसे पहले एक काम करते हैं वी विल स्पेंड सम टाइम टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच पहले दिन पहला सवाल ये होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि सर आखिरी दिन कौन सा होगा यानी बैच होगी कितने दिनों में खत्म इनफैक्ट कितना टाइम कंज्यूम होगा अगला सवाल होता है कि सर क्या पूरा ऑडिट कवर हो जाएगा इस फास्ट ट्रैक बैच में अगला सवाल होता है सर इसके अलावा हमें घर पे कितना पढ़ना पड़ेगा सवाल ये होता है कोई टेस्ट वेस्ट होंगे या नहीं होंगे बैच में सवाल ये भी पूछा जाता है सर मटेरियल जो मिलेगा वो सफिशिएंट होगा या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक बार दोबारा देखना पड़ेगा सर कभी क्लास छूट गई तो लाइव वालों का सवाल होता है सर रिवीजन कैसे होगा अरे ये सब छोड़ो सर अमेंडमेंट क्योंकि सी फाइनल का कोई भरोसा नहीं अटेम्प्ट कब आए तो अमेंडमेंट कैसे कवर होंगे यू हैव फ्लोरा ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेट्स डू अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट

में बारहवीं में मेरी मेरिट ऑल इंडिया मेरिट आने के बाद मुझे और घर वालों को और हम सबको ऐसा लगने लगा कि शायद अपन सी कर लेंगे एंड दैट इज वाई आई ऑल्सो डिसाइडेड विद ऑल द कन्फ्यूजन टू डू सी ए आई इनिशियली डिस्पाइज सी ए आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड टू मच इन टू इट आई ज्वाइन अन अदर कोर्स कॉल्ड बी बी अ कॉलेज बड़ी खूबसूरत और अच्छे दिन वहाँ बीता करते थे सुन टू रियलाइज की वो मोहमा कुछ ही दिन रहती है द रियल डिग्री इज एक्चुअली वॉट यू डू योर इन चार्ट अकाउंटेंसी आई लव द सब्जेक्ट हियर इन सो मच दैट फिर पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पर डालना शुरू किया एंड सी ए की सारी एग्जाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के बाद फाइनल में मेरी कुछ अखिल भारतीय स्तर पर छियालीसवीं फोर्टी सिक्स रैंक भी प्राप्त हुई फोर्टी सिक्स रैंक आने के बाद आई खूड गेट गुड ऑफर्स फॉर इंटरव्यू आउट ऑफ विच आई कूड कन्वर्ट अ फ्यू ऑफ देम एंड फाइनली आई ज्वाइन कंपनी कॉल आई टी सी जिनके बारे में आपने सुना होगा कई स्टूडेंट्स हमारे आईटीसी के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कुछ हमारे सीए वाले स्टूडेंट्स क्लासमेट यूज करते हैं और कुछ सीए में नॉन सीए टाइप के गोल्ड फ्लेक भी यूज़ करते होंगे सिगरेट से लेकर नोटबुक तक कई सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती थी और ऑलमोस्ट तीन साल मैंने अपने जीवन के वहां पर व्यतीत किए और मैंने जो भी थोड़ा बहुत ऑडिट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ सीखा है आई थिंक आई ओ दैट टू आई In this three year, I was actually handling their internal audit and a bit of corporate accounts. And this is where I got my maximum exposure, real life exposure in terms of internal auditing processes, IT systems, things like uh, even IFRS implementation, consolidation of accounts, and stuff like that. तीन अच्छे साल वहां बिताने के बाद लाइफ में लगा कि कुछ चैरिटेबल करना चाहिए कुछ चरितार्थ का कार्य करना चाहिए समथिंग विच इज यू नो अच कुछ बेनिफिट अ लार्जर सेट ऑफ पीपल एंड देन वी स्टार्टेड दिस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट व्हाट यू कॉल एस फास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस ट्यूटोरियल फास्ट एजुकेशन एंड टू आई स्टार्टेड टीचिंग आई फर्स्ट स्टार्ट टीचिंग विद ऑर्ड बिकॉज आई वज इन सी एफ आइए आई यूज टू इन माई होम टीच सर्ट इन स्टूडेंट्स हुई यूज टू कम दैट एंड ऐसा नहीं है मैंने उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया और अच्छे से पढ़ाया ये बात का सबूत ये था कि जब वो इंटर में थे तब उन्होंने मुझसे पढ़ा फाइनल में फिर जब मैं आईटीसी से वापस आया तो दूस गाइज वर स्टिल इंटरेस्टेड सम ऑफ देम वर स्टिल देर इन सीए एंड दे आज मी टू टीच सीए ए फाइनल ऑडिट सो आई फर्स्ट स्टार्टेड विद सी फाइनल ऑडिट एंड एस दीज वर माई फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स विच आई स्टार्ट और फिर जीवन भर वही पढ़ाते रह गए uh, <coughs> हमारे अचीवमेंट में एज सच पिछले पंद्रह सालों में आपने क्या कमाया तो पिछले ही कुछ अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स अपनी एक स्टूडेंट लेकर आई पलक अग्रवाल इससे पहले मोहित अग्रवाल नाम का स्टूडेंट भी ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स ऑडिट के पेपर में लेके आ चुका है जिसके लिए इंस्टीट्यूट उनको बेस्ट पेपर अवार्ड देता है ये बेस्ट पेपर अवार्ड उस अटेम्प्ट में जो हाइएस्ट स्कोर करता है उसे दिया जाता है और मोहित अग्रवाल और पलक अग्रवाल ये दोनों ने दो बार ये झंडे गाड़े हैं और उम्मीद है मुझे कि अब फास्ट ट्रैक से भी कोई ऐसे झंडे गाड़ेगा चलिए बताइएगा मुझे कि कितने लोग वाकई ऐसी कुछ उम्मीदें रखते हैं कि अरे फोड़ के आएंगे और ऑडिट में इतने मार्क्स लेकर आएंगे इनफैक्ट अगर आपके सरने में अग्रवाल लगता है तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है ऐसा समझ जाइए आप एनीस मेवर तो

चलिए सो कमिंग अपॉन टू दी सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इट इज नाउ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के इन टोटल देर आर थ्री मॉड्यूल्स आई शो यू दो मॉड्यूल्स जिसमें से ही पेपर बनता है ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से बाहर कुछ आता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप मॉड्यूल पढ़ लेंगे तो सब कुछ साफ uh, हो जाएगा इनफैक्ट साफ ही हो जाएगा क्यों क्योंकि वो बहुत ही थियोराटिकल है और आप इतना याद नहीं रख सकते और इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर

भगवान ने आधा काम तो आपका ऐसे ही पूरा कर दिया चलिए यू नो योर लाइफ हिस्ट्री आई एम योर दैट करेक्ट सो आई नो यार अपन शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा एक दूसरे के बारे में एक छोटा सा जान ले पांच मिनट में आपके ले सकता हूँ अपने बारे में बताने को बट इट इज ऑलवेज गुड टू नो अबाउट ईच अदर बिफोर वी स्टार्ट विद यू आपके बारे में तो मुझे आपकी चैट से धीरे धीरे पता लड़ते लग ही जाएगा समय के साथ साथ मेरे बारे में तो आप ऐसा क्या जानोगे इस उम्र में

तो सिक्सटी टू 70 आवर्स के बीच में अपन ना इनफैक्ट रैप अप करेंगे हमारे पूरे सिलेबस को आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या सर इतने समय में पूरा कवरेज किया जा सकता है तो मैंने क्या किया बिकॉज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच इसलिए रेगुलर में यही चीजें मैं कॉपी में पहले दिन नोट करवाता हूँ यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके लिए रेडीमेड लाया हूँ इस पर अपन समय थोड़ा सा बचा पाएंगे इसी तरह से हम फास्ट ट्रैक बैच में जो हमारी रेगुलर बैच ऑलमोस्ट वन फिफ्टी आर्स की होती है हम फास्ट ट्रैक बैच में वही उसके ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट टाइम में वी विल ट्राई टू कवर अप द होल ऑफ द सिलेबस बट कवरेज विल बी हंड्रेड परसेंट बट इट विल बी विद एन एबीसी क्लासिफिकेशन एंड नॉट एन ए क्लासिफिकेशन आई थिंक सी ए में अब आप इसको अच्छे से समझ गए दोस्त हर एक दोस्त जरूरी होता है लेकिन हर एक दोस्त उतना जरूरी नहीं होता है रेगुलर बैच में हम ये मानते हैं कि यार हर टॉपिक अपने लिए क्रिटिकल है इंपॉर्टेंट है तो अपने को हर टॉपिक पढ़ना है और पूरा पूरा पढ़ना है वहां हम ये फोकस ज़रूर रखते हैं कि एग्जाम में क्या ज्यादा बार पूछा जा चुका है या आ सकता है या अमेंडमेंट का है और उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हाफ फोकस ज्यादा एग्जाम्पल्स लेते हैं फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या करते हैं हम सारे टॉपिक्स का एक एबीसी कैटेगराइजेशन किसी लॉजिक पे करेंगे वी विल कवर अप टू सी कैटेगरी आइटम्स बट आर फोकस मोर वुड बी ऑन ए एंड लेसर वुड बी ऑन सी

तो मैं वहां पर थोड़ी सी अपनी गाड़ी तेज कर सकता हूँ बट कोड ऑफ एथिक्स अभी नया नया आया है या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसमें आई पर्टिकुलरली हैव एन एक्सपीरियंस दैट मोस्टली स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंटर डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड इज एक्जैक्टली रिक्वायर्ड इन दी पेपर ऑफ योर सीए फाइनल्स तो वहां पे देन वी विल नॉट स्पीड अप वी विल रादर बी रिलेटिवली अ लिटिल स्लो एंड वी विल एक्चुअली ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट्स आल्सो एंड हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जाम्स आल्सो ऐसे इसकी बात करें तो फॉर अ फैक्ट वी नो की एस ए लाइक एस ए टू हंड्रेड एंड थर्टी ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन इज कम्पेटिवली लेस इंपॉर्टेंट एसे टू like फोर्टी से फ्रॉड्स अकॉर्डिंगली वी विल स्पेंड मोर टाइम इन एस ए टू फोर्टी कंपेरेटिवली लेसर टाइम इन एस ए टू हंड्रेड एंड थर्टी इस तरह से हम इसको ऐसे मैनेज करेंगे कि नंबर वन कुछ भी छूटे नहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा कवर हुआ है, ये बना रहे और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करें इंपॉर्टेंट डज नॉट मीन्स कि हमारे हिसाब से जो एग्जाम में आने वाला है क्योंकि आप वो हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट यूजअली कि ऐसे क्लियर कट टॉपिक्स जिसका फाइनल में रेलिवेंस हमेशा से कम रहा है सो ए हंड्रेड परसेंट कवरेज बी इट विल बी अ अबीसी काइंड ऑफ अ कैटेगराइजेशन विच वुड मीन अ सिलेक्टिव कैटेगराइजेशन इन टर्म्स ऑफ नॉट स्टडी कवरेज बट इन टर्म्स ऑफ गिविंग टाइम टू आइटम्स कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट विच इज योर एग्जाम वेटेज अब क्योंकि मैंने ए बी सी बोला है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दू कि एग्जाम में क्या वेटेज होता है और उसी के बेसिस पे हमारा सीक्वेंस क्या होगा एग्जाम का अगर आपको एक पेपर देखना है दोस्तों तो विल आइडेंटिफाई कि आपका पेपर आज सच तीस मार्क के आपके एम सी क्यूज और सेवनटी मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है लेट सी दिस सर ये जो आप देख रहे हो हमें लिखने की जरूरत तो नहीं है ज़रा भी नहीं सर ये हमें मिलेगा क्या देर इज अ फीचर विच वी कॉल एज लाइव बोर्ड नोट आई एम शेयरिंग दिस विथ यू इसको हम देंगे एल वन बोर्ड नोट्स जिसका मतलब है लेक्चर वन के बोर्ड नोट्स ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं ये सब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर जिसपे आप कनेक्टेड है अगर आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गेट इट इन दी एल एस विच आर इट अबाउट इट यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे मैं जो भी दिखा रहा हूँ वो आपको दिखेगा ये मैं लाइव बैच के साथ साथ ऐसे अपडेट करते जाऊंगा तो आपको लाइव बेसिस पे जो मैं लिखते जाऊंगा वो आपको वहां मिलते भी जाएगा नवर द लेट सी हाउ द एग्जाम पेपर कम्स इन पेपर आपका जो नॉर्मली आएगा आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह का होगा लेट सी दिस इन टोटल आपका जो पेपर होता है हंड्रेड मार्क्स का इसका डिविजन होता है ऐसा लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर 70 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्टिव है 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है एग्जाम में पहले क्या करना चाहिए बहुत आगे का क्वेश्चन पहले पूछ लिया आगे कवर करेंगे इसको 30 मार्क्स के एमसीक्यू में कोई इंटरनल चॉइस नहीं आती है 70 मार्क्स के आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ये सारे के सारे चौदह मार्क के क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट होते हैं और टोटल आपको आते कितने फाइव इंटू फोर्टीन यानी सेवेंटी तो हो गए सिक्स इंटू फोर्टीन यानी कि एट्टी फोर क्योंकि एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है जिसे आप चॉइस में छोड़ सकते हैं इनमें से कंपलसरी है जो आपने करना ही करना है तो लेट से ये कंपलसरी है जो आपको करना ही है लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टैंडर्ड के ऊपर आता है कई बार इंस्टीट्यूट इसमें स्टैंडर्ड के साथ कंपनी ऑडिट भी जोड़ देता है पर इसमें ऐसे तो आता ही आता है ये तय है कंपल्सरी में तो ये फोर्टीन मार्क्स निकल गए सेवेंटी में से फिफ्टी सिक्स बचे जो आपको 14 टू फोर क्वेश्चन करने हैं एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए कितने तो आए टोटल छ हर क्वेश्चन के अंदर होते तीन पार्ट पांच पांच चार तो छ इंटू तीन अठारह और एक इंटरनल चॉइस होती है उन्नीस टोटल आपके एग्जाम में 19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपसे 19, नाइनटीन अलग अलग टॉपिक्स टेस्ट कर सकता है ये इसका इस तरह का पैटर्न रहता है नाउ व्हेन आई से आई हैव इन टोटल 19 क्वेश्चंस वेर इन वन क्वेश्चन कुड बी ऑफ इधर फोर और अप टू मैक्सिमम ऑफ फाइव मार्क्स दैट मीन्स आई के नॉट रियली टेक अ चांस ऑफ नॉट

इसमें नॉर्मली एक केस स्टडी में पांच क्वेश्चन आ सकते हैं जो दो मार्क के होंगे हो सकता है चार भी हो छह भी हो। प्लस आपके इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आते हैं जो एक क्वेश्चन नॉर्मली एक मार्क का होता है नॉर्मली आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट यहां पे कुछ समवेयर अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि इस बार इंस्टीट्यूट ने समवेयर अराउंड क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी टू वर टू मार्क्स पांच और छह

मार्क्स वेटेज के लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए काम किया है आपको बड़ी मददगार साबित होगा ये इच्छा हो तो ये पहले वाले आपके बोर्ड नोट का प्रिंट निकाल के कॉपी में सबसे ऊपर पहले स्टेपल कर देना बड़ी काम की चीज है पिछले चार अटेम्प्ट से ज्यादा पीछे तो जाके मतलब नहीं लगता है इन चार अटेम्प्ट में क्या किया इंस्टीट्यूट ने तो जो सत्तर मार्क है क्योंकि जो एमसीक्यू है वो तो बाहर आते नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर ही दफन कर देता है इंस्टीट्यूट उसको और फिर सीधे उसके मार्क्स देता है क्वेश्चन भी पब्लिश नहीं होते उनको डर लगता है कि कभी हमने गलत आंसर दे दिया कुछ ऐसा हो गया तो हो सकता है इस पर सवाल जवाब होने लग जाएंगे बाहर ही नहीं निकलते ना जाने क्यों छुपा के रखते तो हम जब स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि भैया क्या एमसीक्यू में आया बता फटाफट बजाय उसका एक दिन छोड़ के अगले दिन पेपर होता है पर हम पाँच पाँच दस दस मिनट ऑडिट के पेपर के बाद फोन लगा लगा के कुछ स्टूडेंट के ले लेते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे और इससे हम एक मेमोरी बेस्ड पैटर्न निकाल लेते हैं कि एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो पिछले चार से दोस्तों मुझे तो एक ही चीज़ नजर आ रही है और वो ये कि स्पेशल ऑडिट का फोकस सबसे ज्यादा रहा है एम पे आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे फोकस लिखा है पिछले तीन अटेम्प्ट से तो स्पेशल ऑडिट पे ही मेजोरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं रैंकिंग दो तो सबसे कम आते हैं कोड ऑफ एथिक्स उसके बाद आता है आपका आ, कमनी ऑडिट एंड एसेज एंड देन मैक्सिमम स्पेशल ऑडिट अब आते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव सेवेंटी मार्क्स के ऊपर सेवेंटी मार्क में अगर आप देखोगे तो मोरलिस यू विल फाइंड दैट द पेपर पैटर्न इज सच दैट इन योर कोर्स इन टोटल देर आर दीस फोर टॉपिक्स विच आर देर अब हो सकता है आपने ऑडिट वैल्यू पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ मैं अज्यूम करके चलूंगा कि भाई आपने ऑडिट आज सच इंटर में ही पढ़ा था आखिरी फाइनल में अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको कहीं कोई समस्या है इसीलिए आप ये बैच कर रहे हो नहीं पढ़ाए जरा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बिल्कुल इस बैच से ऑडिट कवर कर सकते हैं क्या लिमिटेशन इस बैच की है वो भी मैं समझाऊंगा तो आप पूरे सिलेबस को अगर डिवाइड करने जाओ क्या मतलब पूरे सिलेबस को डिवाइड करने का थोड़ा सा माफ करना हो सके तो मुझे मैं थोड़ा पेपर ये अपने नोट्स को ऊपर नीचे करूंगा आपका पूरा एक आखिरी में डिस्कशन होने के बाद कंक्लूड भी कर दूंगा अभी आप बस सुनिए और मेरी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करिए लिखने का टेंशन इस मुद्दे पर छोड़ दीजिए ये मैंने आईसीआई के मॉड्यूल से जो आपका कंटेंट होता है ये मैंने चुरा लिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे लेके आ गया ये मैं क्या करता हूँ दोस्तों ये आपके आईसीआई के तीन मॉड्यूल है ठीक है हो सकता है आपने पन्नी भी नहीं खोली हो बाकी मुझे निकाल के रखना पड़ता है पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने से पहले कि भाई इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है इसमें पहले इनिशियल पेज में जो कंटेंट दिया है ये वो है अपन एक बार क्विकली इस कंटेंट को स्कैन कर लेते हैं सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट एंड ओवरव्यू जबकि आपके कोर्स में ओवरव्यू नहीं है क्योंकि ये लोग जब आपको नोटिफिकेशन एप्लीकेबिलिटी का एक अनाउंसमेंट देते हैं उसके अंतर्गत ये बोल देते हैं कि एस क्यू सी वन एस ए वन से सेवन ट्वेंटी तक सारे एसेज आपके कोर्स में यानी कि इसके लिए स्टडी मटेरियल अपने आप में इनसफिशिएंट है आप सोचो कि मैं सिर्फ इतना सा पढ़ के चले जाऊं और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा तो ऐसा नहीं होगा इसको अपन शब्दों में सामान्य शब्दों में कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हालांकि आपके कोर्स में एक एसक्यू भी होता है इससे संबंधित एक चैप्टर होता है ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन जिसका एक पोर्शन ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग में कवर होता है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जैसे ऑडिट प्रोग्राम वगैरह आपने इंटर में पढ़ा होगा जिसको अपने को स्पेशल ऑडिट्स में कवर करना होता है सर ये स्पेशल ऑडिट क्या है एक्सप्लेन यू जस्ट गिव मी मिनट रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल कुछ हद तक एक ऐसे थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन में कवर होता है बट इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इसमें की गई है तो इसका भी टॉपिक ये कॉमन है स्पेशल ऑडिट साथ में कवर होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आप जो ईडीपी ऑडिट सीआईएस एनवायरनमेंट एनवायरमेंट ऑडिट इंटर में कभी देखा होगा ऐसा एक चैप्टर एक क्वेश्चन इसका कवर होता ही होता है आता ही आता है इसे मैं स्पेशल ऑडिट कहूँगा ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी जिसको अब इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नाम करके कंपनी ऑडिट कर दिया है अगर आप उसको अपडेटेड देखेंगे तो ये चेंज हो गया है थोड़ा सा तो कंपनी ऑडिट इज बेसिकली होल ऑफ़ योर कंपनी ऑडिट जिसमें आप ये कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के सेक्शन वन थर्टी एट से वन फोर्टी एट प्लस इसके अलावा कुछ अकाउंट्स ऑफ कंपनी के सेक्शन यानी वन ट्वेंटी एट से वन थर्टी एट तक के भी सेक्शन कवर है आई रिपीट 139 to 148 टू of auditor related अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रिलेटेड और 128 ट्वेंटी एट टू वन अकाउंट्स रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट का ये जो आपका चैप्टर है इसमें नॉर्मली आप क्या पढ़ने वाले हैं तो जो ऐसे की 700 सीरीज है वो पढ़ते हैं साथ ही साथ में इसमें कारो टाइप की ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं जिसे अपन कंपनी ऑडिट का पार्ट मानते हैं बाकी ऐसे की सीरीज़ है आपकी जिसमें ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट देते हैं और कैसे रिपोर्ट बनाना है मॉडिफाई कैसे करना है कि ऑडिट मैटर कैसे देना है ये सब मुद्दे होते हैं ऑडिट कमेटी और कॉरपोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनीज को एक ऑडिट कमेटी रखना होती है और उनसे कुछ काम कराना होते हैं ये सीबी की एक लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशन है जिसके अंतर्गत बनाया गया ये पूरा चैप्टर है हम इसे हमारे कंपनी ऑडिट सेक्शन का पार्ट कह सकते हैं इंडिया इसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बड़ा बोलबाला है आजकल हर कंपनी की सब्सिडरी वगैरह होती है आजकल एक से किसी का काम ही नहीं होता है कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के ये लोग काम करते हैं तो ये ग्रुप के साथ कंसोलिडेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या उसका दोबारा अलग से ऑडिट होगा आईसीआई का इस पर गाइडेंस नोट है उसके ऊपर बेस ये चैप्टर है जो हम कंपनी ऑडिट सेक्शन का पार्ट मानते हैं अब आपने इंटरमीडिएट में कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जो कोई स्पेशल एंटिटीज़ के ऑडिट की बात करते थे जैसे कि होटल हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एनजीओस, इवन बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी सेम इसी तरह से सीए फाइनल में भी आपके कुछ ऐसे स्पेशल एंटिटीज़ के ऑडिट आपके कोर्स में डाले गए हैं पर ये स्पेशल एंटिटीज वैसी छोटी मोटी एंटिटीज नहीं है जैसे इंटर में होती थी अपने आप में साठ साठ सत्तर सत्तर सौ सौ पेज के चैप्टर्स हैं इसके अंतर्गत क्या बात की गई है बैंक के ऑडिट्स कैसे होंगे रियल लाइफ में इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट कैसे होंगे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के ऑडिट कैसे होंगे जैसे आप गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ते थे उसका एक विस्तृत यानी कि एक एक्सपैंडेड आप ये कह सकते हो इवॉल्व रूप अगर गेम्स वेम्स खेलते हो आप तो दैट इज समथिंग विच इज पी ऑडिट जो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तो ऐसे कुछ अलग अलग एंटिटीज के स्पेसिफिक ऑडिट है इसके अलावा सी ए सी ए लोगों का रिव्यू करता है प्यर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू कहते हैं इस तरह के कुछ स्पेशलाइज ऑडिट या अगर आप टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं या जी एस टी ऑडिट अब तो अबॉलिश हो गया लेकिन अभी भी उसके अंतर्गत गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट द्वारा कुछ ऑडिट्स होते हैं तो वो जी एस टी ऑडिट्स हो गए ये सारे तरह के जितने चैप्टर्स हैं दोस्तों इन सभी चैप्टर्स को हम किसके अंतर्गत कवर करते हैं स्पेशल ऑडिट्स ओ हो हो सर इसका मतलब तो अब समझ में आ रहा है हमें धीरे धीरे आप सही कह रहे थे स्पेशल ऑडिट का जो वेटेज आपने ऊपर दिखाया था वो क्यों इतना ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर उससे रिलेटेड दिक्कत यह है कि इसमें सबसे बड़ा कंटेंट तो ऐसे इसका आएगा पर एस इंस्टीट्यूट ने पूरे दिए ही नहीं पर कोर्स में पूरे रख दिया बेर ऐसे दिए ही नहीं है तो वो अगर आप हटा दो तो एक मेजर चंक है हमारी रेगुलर बैच में आप यूँ समझ लीजिए ऑलमोस्ट फिफ्टीन टू एटीन लेक्चर्स तो सिर्फ एस एस के होते हैं तो यहाँ जो कंटेंट है वो ज़्यादातर किसका है स्पेशल ऑडिट का

टू जी यानी पहले से आखिरी पन्ने तक का सब कुछ कवर होगा यह तय बात है कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं अब आपने ये देखा तो मैंने कैसे डिवाइड किया मैंने कहा कि यार एक तो हो गया कोड ऑफ एथिक्स एथिक्स प्रोफेशनल एक चैप्टर एकदम दिखता है कैसे पढ़ना है, क्या है। हो गया, जिसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कमिटी का एक ही एसक्यू सी है और बाकी आपके चैप्टर्स जिनको दूसरे लोग अदर चैप्टर मिसलिनियस चैप्टर कहते हैं मैं स्पेशल 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 चैप्टर या या ऑडिट ऑडिट इसलिए कहता हूं तो कि इसका एग्जाम में वेटेज इतना है कि मैं चाहता हूं आप इस पर एक्स्ट्रा ध्यान दें डिस्क्रिप्टिव सेवेंटी मार्क्स में से अगर आप वेटेज देखें तो ट्वेल्व टू फोर्टीन मार्क्स इज द एवरेज वेटेज ऑफ कोड ऑफ एथिक्स कंपनी ऑडिट बीस मार्क्स एस एस ट्वेंटी और स्पेशल ऑडिट ट्वेंटी एम सबसे ज़्यादा स्पेशल ऑडिट के देखने को मिलते हैं और क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स उसके इतने सारे हैं एम सी क्यूज कोड ऑफ एथिक्स के कम से कम होते हैं एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा एथिक्स पे नहीं आते हैं कमनी ऑडिट एसे इस पर मॉडरेट नंबर ऑफ एम सी क्यूज देखने को मिलते हैं क्लास का सीक्वेंस क्या होगा विल स्टार्ट विथ एथिक्स कमनी ऑडिट एसेज एंड देन स्पेशल ऑडिट क्योंकि स्पेशल ऑडिट नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है सब इंडिपेंडेंट है इंटरकनेक्टेड नहीं है ऐसे कमनी ऑडिट पढ़ के आप वो पढ़ोगे तो इंटरलिंक कर पाओगे चीज़ों को थोड़ा रिलेट कर पाओगे समझ पाओगे एथिक्स पहले इसलिए क्यों क्योंकि क्यों क्लियर बारह चौदह मार्क यहाँ पे एक आध दो एम सी क्यू यानी पंद्रह का आप शर्ट शाट वहां स्कोर कर सकते हो ये ऐसा चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग सिंपल और इजीली कंट्रोल में आने वाला क्लास में हम इसे कैसे पढ़ेंगे ये रेफरेंस दिया अभी मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझा दूंगा मैंने ये एवरेज मार्क्स दिए पर कई बार क्या होता है एवरेज अपने आप में डिसीजन मेकिंग बिगाड़ देते हैं इसलिए मैंने पिछले चार अटेम्प्ट के एक्चुअल मार्क्स भी दिए हैं जुलाई 21 के पेपर में आप देखोगे तो क्या किया है? इन्होंने कंपनी ऑडिट का वेटेज एकदम कम कर दिया और स्पेशल ऑडिट का वेटेज बढ़ा दिया जितने स्टूडेंट जुलाई किसका पेपर बोलते हैं डिफिकल्ट है उनके साथ समस्या अगर हुई तो क्या हुई उन्होंने स्पेशल ऑडिट चैप्टर को फोकस नहीं किया अब उनसे क्या हो गया शायद अगर वो ये पहला लेक्चर ही कभी देख लेते तो उनको समझ में आता कि आपके ऑडिट के मॉड्यूल में कितने सारे टॉपिक स्पेशल ऑडिट के आप उसको अगर अच्छे से तैयार करके नहीं जाओगे आप कैसे सोच सकते हो कि आपका पेपर प्रॉपर जा पाएगा इसलिए मैं पहले दिन ही यह पूरा फोकस बता देता हूँ सो दैट यू नो एक्चुअली की वॉट यू आर डीलिंग विद दिस इज बेसिकली दर्पज राइट अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया आप देख लो आओ, इससे पहले के तीनों अटेप में कंपनी ऑडिट एवरेज बीस मार्क का है इस बार उन्होंने उसको एकदम से गिरा के स्पेशल ऑडिट का फोकस एकदम से बढ़ा दिया पेपर का पैटर्न लोगों को लगने लगा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया दिक्कत आना शुरू हो गई ऐसे इसका वेटेज और बढ़ा दिया कोड ऑफ एथिक्स का या प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज कम कर दिया एथिक्स नॉर्मली सबका सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है उसका वेटेज थोड़ा हल्का पांचवां चारवां कम हो गए और इधर आपके एसएस का 30 मार्क्स का वेटेज हो गया एसेज और ये जिसके भी वीक हो गए उनको सामने प्रॉब्लम आ गई किस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि they were finding the paper to be a little tough and this is what i say that you should always cover 100% of your syllabus you can have an abc in terms of focusing where to focus more and less but you should not leave anything i'll give you another reason of why you should not leave anything very very important please keep an eye on this kisi ne ek sawal pucha hai beech mein ki sir class is sequence is not the

ये पर्टिकुलर जो मैंने आपको टेबल दिया है भले ये फास्टर बैच है पर उसके बावजूद भी बीच बीच में अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे मैं आपको सोचने का मौका दूंगा मैं आपको यहाँ पे तीस सेकेंड देता हूँ अब इस पर्टिकुलर टेबल को देखिए इसमें दिया गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन वन के तीन पार्ट आए एबीसी वन कंपलसरी होता है उसमें जो क्वेश्चन आए वो पाँच पाँच चार मार्क क्या है क्या टॉपिक से आए सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए दिया गया है आप थोड़ा सा इसको अगर देख के मुझे बता सकते हैं कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है ये जुलाई 21 के पेपर का आपका एनालिसिस है पैटर्न है ये इनफैक्ट क्वेश्चन की एक समरी है पूरे पेपर का एनालिसिस जो हमने किया ये वो है मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है इतना सा कि ये देख के आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो वॉट इज युंस सींग दिस पेपर पैटर्न इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू कमेंट ऑन दिस क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको दिख रही है इसमें वो जो आप बताना चाहें या वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट और समथिंग विच यू शुड नो ऐसी क्या चीज आपके सामने आ रही है प्लीज देख के बताएं मुझे टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक फोर ठिक टिक फाइव लेट सी विद पीपल एव टू सही ठिक टिक सिक्स ठिक टिक सेवन ए, टिक टिक नाइन। चलिए भाई देखिए चलिए तो देखो अब हमारे पास चार्ट आने लग गई है क्यों ना मैं मेरे जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स को भी चार्ट दिखाऊं मेरा उनपे भी पूरा ध्यान रहेगा पूरी क्लास के दौरान लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से एवरी चैप्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट ओके स्पेशल ऑडिट ऐसे कर लो पचास फिक्स है बहुत बढ़िया पेपर कम्स इन मिक्स टॉपिक नो सिंगल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक ड्यू टू दिस एवरी बिकम्स इम्पॉर्टेंट आदित्य दीक्षित बहुत बढ़िया चलिए क्या बोलेंगे मेरी तरफ से आपको यू नो वर्ट शुड आई गिव क्या टॉफीज इन चॉकलेट्स एंड एनी विच विज

एवरी क्वेश्चन इज मिक्सड देखो ऐसे कंपनी ऑडिट एथिक्स ऐसे स्पेशल स्पेशल ऐसे स्पेशल स्पेशल एथिक्स स्पेशल स्पेशल कंपनी ऐसे स्पेशल स्पेशल ऐसे स्पेशल एथिक्स ये एक्स्ट्रॉडनरी अटेम्प्ट था जहाँ पे स्पेशल का फोकस बहुत ज्यादा था इतना होता नहीं हर बार बट नवर आपको क्या समझ में आया ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्त कि अगर तुमको उसको घुमाने ले जाना है ना तो उसकी मम्मी ने बोल रखा है कि साथ में छोटू भी घूमने जाएगा अब तुम्हारी कितनी भी इच्छा हो उसको अकेले घुमाने की तुम उसको घुमा ही नहीं सकते क्योंकि छोटू तो साथ में आएगा ही आएगा छोटू कौन उसका छोटा भाई हम बोलते हैं अरे बाय प्रोडक्ट तो निकल साथ में मत आया कर पर वो तो क्या है साथ में चिपक के ही रहता है इसलिए हमें मौका ही नहीं मिलता है एनी विच ये वही वाली बात है आप सोचो कि मैं यार बढ़िया से अच्छे से तैयार करके चले जाऊँ छः में से एक क्वेश्चन पूरा एथिक्स का आएगा वो वाला अच्छे से कर लूंगा वैसा होगा नहीं क्योंकि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है बाकी आप समझदार है इसको इंटरप्रेट करने के लिए ठीक है सो आई होप दिस गिव्स यू अ फेयर बेसिस दैट प्लीज हैव अ फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड गेट राइट वंस यू हैव यू नो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑडिट अनदर कॉमन मिथ व्हिच इज देयर इज नॉर्मली स्टूडेंट कहता है कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है मैं राइटिंग वैसा नहीं लिख पाता जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में चाहता है इस कारण से सर मुझे मार्क्स नहीं आते मोहित अग्रवाल ऑल इंडिया टॉप करने वाला स्टूडेंट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ था फाइनल का उसने पेपर इंटर में दिया उसकी कोई ग्रामर तो बहुत तगड़ी नहीं रही होगी फिर भी उसने ऑडिट में ऑल इंडिया टॉप किया पलक अग्रवाल चलो ठीक है शी वॉज अ राइट शी वज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट फ्रॉम आर ट्वेल्थ नाइनटी सिक्स परसेंट टाइप की कैटेगरी थी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उनको तो लिखा हुआ है उनकी किस्मत में कि ये टॉप करेंगे खैर वॉट एम ट्राइंग टू से इस ग्रामर इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट क्यों चेक करने वाले की ग्रामर खराब रहती है पुराने जमाने का सीओ क्या चेक करेगा तुम्हारी ग्रामर लैंग्वेज पे कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप ये कहते हो ना कि जब तक मैं इंस्टीट्यूट का एग्जाम का पैटर्न या उसकी लैंग्वेज मैच नहीं करूंगा मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे ये बिल्कुल गलत है आपको ये कहना चाहिए कि जब मेरा कंटेंट इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा तब मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे लैंग्वेज मैच करना और कंटेंट मैच करने में एक छोटा सा पर वो छोटा सा डिफरेंस एक ज़मीन आसमान का अप्रोच में फ़र्क पैदा कर देता है आपकी अप्रोच होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में अगर सपोज दस पॉइंट आ रहे हैं तो मेरे में भी दस आना चाहिए आपकी अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोई अनइम्पॉर्टेंट या इंट्रोडक्टरी तरह की चीज़ें दी हुई है तो सेम वैसा भी मेरा आना चाहिए उसमें जो की वर्ड्स है वो मेरे आना चाहिए दैट इज हैविंग द राइट कंटेंट इट इज नॉट हैविंग द राइट लैंग्वेज स्टूडेंट टू फोकस टू मच ऑन द लैंग्वेज यू विल नॉट बी एबल टू कवर हंड्रेड परसेंट ऑफ ऑड इट माइंड माई वर्ड बिकॉज द सिलेबस इज सो लार्ज डो नॉट फोकस ऑन हैविंग द सेम लैंग्वेज फोकस ऑन हैविंग द सेम कंटेंट छोटी सी बातें पर आप दिमाग में फिट करोगे आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी अब आप कोई भी लैंग्वेज या कोई ऐसे के सजेस्टेड आंसर को पढ़ोगे तो आप ये नहीं सोचोगे यार मेरे से जीवन में ऐसा आंसर कब लिखाएगा आप ऐसा सोचोगे इस आंसर में ये ऐसे इसका ये प्रोविजन इसकी ये इंपॉर्टेंट लाइन जो सर ने मार्क कराई थी और इसके अंदर ये कंटेंट इसका इन्फ्लेंस इसका ये कंक्लूजन आया है मेरे दिमाग में इनमें से ये ये चीज आई थी ये नहीं आई थी ये आना चाहिए अदर देन यार ये लैंग्वेज कैसे आएगी तो गेट दिस थिंग पर्टिकुलरली करेक्ट तो टू थिंग्स सब कुछ कवर करना है और सेकेंड अपने को कंटेंट स्ट्रांग रखना है मैंने कितने सारे स्टूडेंट्स के आंसर शीट देखी होंगे जितों के मार्क्स कम होते हैं ना उनके मेजोरिटी का कारण ये नहीं होता मार्क्स कम होने का कि उनको एवरेज पांच मार्क के क्वेश्चन में तीन मार्क दो मार्क मिल रहे हैं प्रॉब्लम होती है कि उनके अठारह उन्नीस जो अठारह क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उन 18 में से आठ में तो उनको जीरो या वन मिलता है जीरो और वन का मतलब आपने किया ही गलत ये कंटेंट की प्रॉब्लम है ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज की प्रॉब्लम के बाराण आपको पाँच में से चार की बजाय तीन या तीन की बजाय दो मिलेगा पर जीरो और वन लैंग्वेज के कारण नहीं मिलता है कंटेंट के कारण अब आप सोचो कि अगर आप आठ क्वेश्चन में जीरो या वन स्कोर करके आए हो तो बचे आपके दस क्वेश्चन एवरेज ये दस क्वेश्चन हो गए कितने फोर्टी फाइव मार्क्स के समझो आप अब आप सोचो कि मैं फोर्टी फाइव मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में से थर्टी मार्क्स भी स्कोर कर लूँ ये बहुत आसान काम नहीं गिवन द फैक्ट कि ये वो स्टूडेंट है जो आठ ऑलमोस्ट गलत कर चुका है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हालांकि एम अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवियर है आप लोगों के लिए क्यों क्योंकि अगर आप पूरा कंटेंट तैयार करोगे तो एम ऐसे है कि पढ़ा हुआ है तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं तो अगर नहीं पढ़ाए तो वहाँ टेंशन है पढ़ के गए तो ईजिली निकाल लोगे आप एम तो अगर आप एम में थर्टी में से पच्चीस प्लस स्कोर कर लेते हो फिर आपके लिए ऑडिट में स्कोरिंग इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम सत्तर में से तो आप आई एम नॉट

चलिए दोस्तों ये इतने से में तुम्हारा पूरा ऑडिट हो गया क्या बात कर रहे हो सर बस जी हाँ बस ये हो गया खत्म पूरा ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच फिनिश दैट्स इट क्वेश्चन बैंक भी आ इसमें जी क्या बात कर रहे हो अरे हाँ यार सुनो तो सही अब आप देखिए क्या क्या होता है ना आई शुड नॉट बी दिस सेल्फ बट दिस इज वॉट द स्टूडेंट से दैट वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल रियली नॉट इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन और जस्ट द कंटेंट बट इन टर्म्स ऑफ द यूजफुलनेस

स्टडी मटेरियल क्या होता है क्वेश्चन बैंक क्या होती है द्रोन चार्ट होते हैं लेट मी टेक यू थ्रू विद ऑल ऑफ देम वन आफ्टर अदर लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ड्रोन ड्रोन चार्ट क्या होते हैं them, drone drone क्या होते? तो जैसे मैंने आपको बताया पूरे ऑडिट के 18 चैप्टर को मैंने चार सेक्शंस में बांट दिया ये चार सेक्शंस के ड्रोन चार्ट्स आपके ये चार सेक्शंस में आ गए ये कैसे होते हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ऑडिट है सेक्शन 139 के सारे प्रोविजंस 139 थर्टी वन ये सिंपल चार्ट समरी चार्ट नहीं है इसमें शायद ही कोई ऐसा कंटेंट आप ढूंढ पाओगे जिसका प्रोविजन आपको यहाँ नहीं मिलेगा बस ग्रामर और लैंग्वेज यहाँ पर मिसिंग है सर वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डेवलप नहीं होगी तो मार्क्स कैसे आएंगे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन द रेगुलर बैच वॉट वी डू इज वी यूज दिस समथिंग विच वी कॉल्ड एज दी एस जे स्टडी मटीरियल गई क्षमा करेंटडी मटीरियल इन फास्टर आपको यहां नहीं मिलेगी बट वहां पर हम यूज करते हैं रेगुलर में ये आपका एज स्टडी मटीरियल ये बेसिकली आपका थ्योरी कंटेंट है आई स्टिल शो दिस बुक यू यू वॉन्ट टू गेट दिस पर्टिकुलर बुक हम क्लास में इसको इसलिए रेफर नहीं करते हैं या uh, yeah, इसको आप लोगों को साथ में इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है उसका सिंपल रीज़न ये है कि इफ़ वी शेयर दिस पर्टिकुलर बुक दर इज एन एक्सपेक्टेशन टू द स्टूडेंट्स की दिस विद ऑल्सो गेट कवर्ड बट देन समवेयर और द अदर वी हैव टू ट्रेड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड द कंटेंट ठीक है ये एज ए स्टडी मटीरियल है ये कैसे बनाया जाता है तो दिस इज बेसिकली लाइक दिस तो दिस इज लाइक जस्ट एनी अदर टेक्स बुक नोट बुक इसमें पहले आएगा क्या क्या कवर होगा विद प्रॉपर समिंग फिर उसके सारे प्रोविजन्स थियोराटिकली आपके डिटेल में समझाए जाएंगे इसको हम लोग स्टडी मटीरियल बोलते हैं क्या ये मैंडेटरी है आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या ज़रूरत नहीं है लेने की अलग से अब ड्रोन चार्ट मैंने बताए ड्रोन चार्ट की आपको दो बुक मिलती है एक आपके ड्रोन चार्ट जो अभी मैंने आपके सामने रखे ये 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 इस तरह के, ये A4 के 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 साइज साइज होते होते हैं। हैं, ड्रोन ड्रोन चार्ट चार्ट आपका का है। ऐसा होता है रेगुलर बैच पे भी हम स्पेशल ऑडिट इससे कवर करते हैं जुलाई ट्वेंटी के पेपर का एक क्वेश्चन आप छोड़ दे जो इंस्टीट्यूट ने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई एग्जाम्पल से पूछ लिया था जो स्पेशल ऑडिट में दिए हुए कंटेंट से आसानी से आंसर किया जा सकता है बट वो एग्जैक्टली सेम कवर्ड नहीं था उसके अलावा एक एक क्वेश्चन ये हमारा वर्जन फाइव है इसके अंतर्गत कवर्ड था ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जुलाई ट्वेंटी वन बैच खत्म होने के बाद मैं आपको मैपिंग करके भी दूंगा लाइव बैच में भी मैंने सॉल्व किया था क्लास के अंदर पेपर एक एक क्वेश्चन का हमने आंसर वहाँ पर रेफर किया था ये ए साइज की क्यू होती है और हमारे दूसरे जो ड्रोन चार्ट है ये ए साइज के इस तरह के क्यू होते हैं लेट मी एक्सप्लेन दैट होता ये दोस्तों कंपनी ऑडिट कोड ऑफ एथिक्स और एसेज में इंस्टीट्यूट सोचने वाले सवाल पूछता है रीजनिंग बेस्ड जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है लेकिन स्पेशल ऑडिट में एक भी क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड नहीं आता है क्वेश्चन कैसा आता है जैसे ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसमें क्या क्वेश्चन आएगा सी एंड के क्या रोल्स हैं प्रोपराइटरी ऑडिट क्या होता है कॉम्प्रीहसिव ऑडिट क्या होता है खत्म हालांकि ये बनाते इसका लंबा सा केस है पर आखिरी की एक लाइन में यही पूछते हूँ केस कहानी का कोई खास मतलब होता नहीं है नॉर्मली क्वेश्चन में उस कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया है इसकी अलग से क्वेश्चन बैंक पढ़ना टाइम खराब करना है और कुछ नहीं है क्यों टाइम खराब करना है सिंपल रीज़न है क्यों क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन बैंक में जो पढ़ रहे हो वही चीज़ रिपीटेशन है जो यहाँ पर लिखा हुआ तो हमने इसकी क्वेश्चन बैंक और नोट्स कंबाइन कर दिया तो अब अपन क्या करेंगे जैसे ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऐसे स्पेशल ऑडिट के इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके कोर्स में ठीक है पी ऑडिट है ये पी ऑडिट पूरा आप स्टडी मटेरियल उठा लो वर्जन 5.0 में बैंक ऑडिट इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट और टैक्स ऑडिट का कुछ पॉइंट ये तीन के बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूंगा इनमें हमने कहीं सिलेक्टिव अप्रोच यूज करी है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर में आप स्टडी मटेरियल उठा लीजिए और उसका कहीं कोई पन्ना खोल लीजिए और देख लीजिए कि उसका कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा या नहीं आपको मिलेगा हो सकता है कहीं मैंने ब्रीफ किया हो कहीं मैंने इलेबरेट किया हो कहीं ब्रीफ में इलेबरेट किया हो बट आपको सारी चीजें यहाँ मिलेंगी प्रॉपर मिलेंगी सो एंड वर्जन फाइव इज अग बिग बिग इम्प्रूवमेंट ओवर वर्जन फोर विच वॉज द प्रीवियस वर्जन राइट सो ना इफ यू सी दिस ऑडिट ऑफ पी एस यू वन टू थ्री और ये आपके क्वेश्चंस। अभी क्या है देखो लेट्स ए फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट ऑफ पी अब आप कैसे पढ़ोगे आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि यार इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये चालीस बनने का एक चैप्टर है आप ऐसे पढ़ोगे कि यार चार बनने का तो ध्रोन चार्ट है ये कवर एक चैप्टर ख़त्म ऐसे कुछ दस एक चैप्टर खत्म करने दे कितना छोटा लगने लगा एकदम से अब इसमें भी फोकस कहाँ ज़्यादा देना है कैसे ए निकालना है एक नंबर आइटम एक नंबर काम है आप क्या करो इस पेज से रिलेटेड जो सवाल पूछे ना वो मैंने यहीं नीचे दे दिया राइट शॉर्ट नोट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सी एंड ए जी ऑर्डर पॉइंट नंबर थ्री ऐसा और वो और आप नॉर्मली इन स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है कि यार अगर एम टी पी आई टी पी या एग्जाम में आए तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं क्या हाँ जो कभी ओल्ड कोर्स के थे आज लगता है रिलेवेंट है रखे हैं अपन ने पुराने पी एम के भी कुछ कुछ रखे ज़्यादा नहीं तो ये एम टी पी नवंबर एटीन का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है पॉइंट टू थ्री देख लीजिए तो ये टू ये टू का थ्री ये इस क्वेश्चन का आंसर अब आप देख लो जिसके फुट नोट में आपको दिख रहा है यहाँ दो ही क्वेश्चन है ये अपने आप में आपका सी कैटेगरी या बी कैटेगरी चैप्टर पेज हो गया यहाँ इतने सब दिख रहे हैं यानी ये अपने आप में आपको देख के लग गया कि अपने आप में क्या है ए कैटेगरी पेज है यहाँ भरे हुए हैं ये कैटेगरी हालांकि इतने में सारे क्वेश्चन कवर नहीं हुए क्योंकि इस वर्जन में हमने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके आप ये ले लीजिए कि इसमें जनवरी 21 अटेम्प्ट तक के और जुलाई 21 के ट्वेंटी तक के सारे क्वेश्चन कवर्ड है ए टू जेड इसमें कवर्ड है ठीक है तो उस सेंस में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है वो दे दिया और हर क्वेश्चन के पीछे कौन से एग्जाम में पूछा गया है रेफरेंस में आपको क्या देना है कहीं कुछ एडिशनल कमेंट देना है तो सब दिया हुआ है यानी आपने इसको कर डाला तो लाइफ का तो नहीं पता पर स्पेशल ऑडिट आपका झिंगा लाला हो जाएगा ऐसा मेरा एक डिसेंट मानना है नाउ इसलिए हमने इसका साइज बड़ा रखा सो दैट यू हैव द क्वेश्चन आंसर्स आल्सो आल्सो एंड द कंटेंट वी कैन अ लिटिल बिट यू कैन रेफर द होल ऑफ योर ऑडिट यू दीज ये ड्रोन चार्ट में आपके पूरे अठारह चैप्टर पूरे कवर होते हैं पर इससे आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आंसर कैसे लिखना है हो सकता है वो बिल्ड ना हो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव द क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्या है ये आपकी है इससे क्वेश्चन बैंक ये आपको दो वॉल्यूम में मिलेगी वॉल्यूम वन में कोड ऑफ इथिक्स कमनी ऑडिट और वॉल्यूम टू जो होगा उसमें होंगे स्टैंडर्ड जो ऑडिटिंग स्पेशल ऑडिट उसी के अंदर आ गए आपके द्रोन चार्ट के अंदर वॉल्यूम वन में टोटल कितनी किताबें मिलेगी कंक्लूड करता हूँ ना अभी पहले इसको समझो वॉल्यूम वन में क्या है कोड ऑफ इथिक्स और कंपनी ऑडिट ये क्वेश्चन बैंक कैसे दी गई है अरे बहुत सिंपल पहले आपको यहाँ पे दे दिया है कि भैया आपका कोड ऑफ इथिक्स है इसके सारे क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर दिया है कैसे सेग्रीगेट कर दिया है क्लॉज वाइज चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज जो भी है कमनी ऑडिटर था सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज कौन से कौन से पेज नंबर में इसके क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन हैं कितने यूनिक हैं और टोटल कितने ये क्वेश्चन बैंक इज अ सी इंप्रूवमेंट अबॉव द प्रीवियस क्वेश्चन बैंक कैसे पहले ऐसा होता था कि क्लास में एक जैसे ही तीन बार क्वेश्चन आए हम तीन बार पढ़ते थे सॉल्व करते थे एक बार सॉल्व होता था दो बार बोलते थे ये वैसा ही है अब हमने उन तीनों को क्लब करके ऑल्टरनेट क्वेश्चन में डाल दिया सर एक ही क्वेश्चन डाल देते एक ही क्वेश्चन डालते तो स्टूडेंट को क्या होता है हम एक ऑडिटर हैं बाय नेचर आप देखो मैंने लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट अदर्स वी ऑडिट फिर ये सर तक सर की क्वेश्चन बैंक का भी हम ऑडिट करेंगे अब होता क्या है मैंने देखा कि यार एम जुलाई ट्वेंटी या मे ट्वेंटी और आई टी पी नवम्बर ट्वेंटी में सेम क्वेश्चन है अगर मैंने समझो आर टी पी डाल दी एम टी पी डाल दी और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं सर्च किया और आपको आर टी पी का क्वेश्चन देखा और आपने देखा कि यार यहाँ तो है ही नहीं आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मैन कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है इसलिए हमने ऑल्टरनेट क्वेश्चन इंक्लूड किए और जो एक जैसे थे उनको जहाड़ मिला के एक जगह दे दिया तो इट कवर्स एवरी थिंग एंड इट सेव्स टाइम बिकॉज इट इज एफिशियंट यू डोंट डू द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स राइट तो इस तरह से आप देखोगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन 214 हंड्रेड एंड फोटीन यूनिक क्वेश्चन टू फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन ओनली ऑन एथिक्स टू ट्वेंटी थ्री ओनली ऑन कंपनी ऑडिट विच इज टू हंड्रेड एंड एट्टी टोल क्वेश्चन टू ट्वेंटी थ्री यूनिक आई कैन शो दिस फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऑल्सो बिकॉज यू शुड हैव अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ यू नो वॉट्स कमिंग फॉरवर्ड सो इफ आई हैव दैट विद मी ओके क्वेश्चन ओके तो ऐसे इसकी भी आपकी इस तरह की एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें ये कुछ कवर्ड हैव इट हैंडी विद मी हियर नेवरलेस ये भी नहीं इसके बियॉन्ड मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी है और इसके लिए तो आप चाहो तो मुझे धन्यवाद दे दो अच्छा लगे तो बोलना चलिए हाँ ये रही मेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है इसमें सब कुछ कवर्ड है 2021 तक कवर्ड है SM2021 के सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जुलाई 21 की भी कवर्ड है इसमें आखिरी में डाल दिया हमने ऐड कर दिया खैर छोड़िए अभी वो देखिए आप जुलाई 21 हो सकता है आपके पास जो वर्जन आए उसमें आए नहीं है दैट इज अदर थिंग नाउ लेट मी शो यू समथिंग हियर ओके देखिए दोस्तों अब जादू वट वी डन इसके लिए तो दुआ बनती है फास्ट की टीम को भी दुआ देना लगे तो मुझे भी दे देना एक्चुअल में ये सब है आपका ही इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन usually such questions are only asked in the exam when such topics are for the first time introduced as it was done in 2016 it has two part first fundamental principles is 200 wanted mein aap ethical requirements ke naam se jo panch fundamental principles padhte hain integrity objectivity professional behavior competence and due care these are two points b b c kisi ko kuch samajh aaya kya hua can anybody tell me what we have done नी प्लीज बताए क्या किया ये मैंने <clears throat> जी ये हो क्या रहा है वॉट इज दिस चलिए बताइए भैया आपके कमेंट दिखाइए <coughs> ओहो शशांक समझ चुके हैं बहुत बढ़िया खुशी की बात है चलिए इट्स योर वॉइस एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी क्वेश्चन सुपर सर बियॉन्ड साइंस बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए एंड हैप्पी टू नो दैट व्हाट वी हैव डन लेट्स अंडरस्टैंड

ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके पीछे छः महीने तक लगे तब जाके जैसी चाहिए वैसी बनी है अभी और इसमें अभी दस पंद्रह दिन और है उसके बाद आप देखना क्या किया है आपके लिए दो मिनट मेरे को आप दीजिए इसके लिए वॉट विल हैपन नंबर वन आप लोगों की ये फास्ट की ऐप है ये सब आपके पास आएगी आप इसमें माई बुक्स में जाओगे जो फास्टर बैच के स्टूडेंट हैं उनको जो जो क्यूआर कोड वाली बुक्स का एक्सेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएगा उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन क्यू आर कोड आपकी आप किताब है आप इस पर्टिकुलर किताब के लेट से फॉर एग्जाम्पल आई पिक एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्कैन करता हूँ मैंने इस क्वेश्चन को स्कैन किया जैसे ही स्कैन किया यहाँ पे क्या हुआ समझना आप बात को दर इज मोर टू दिस यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया यू गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो आपको जो वर्जन मिलेगा उसमें आपको आंसर भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा आप क्लिक करोगे तो उसमें डाउन होएगा आएगा साथ ही साथ में यहाँ पे एक ऑडियो पोर्ट खुल गया आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपको समरी मिल जाएगी ये समरी का पर्पज क्या है मेरा ऐसा मानना है मैं जब स्टूडेंट था तो क्वेश्चन बैंक से जब मैं पढ़ता था तो 90 परसेंट क्वेश्चन तो पढ़ के आंसर देख के समझ में आ जाते थे 10 परसेंट के पीछे रीजनिंग समझ नहीं आती थी अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था वह इसके कि मैं फैकल्टी को लिखूं पूछूं मैं कितने क्वेश्चन के सवाल पूछूंगा सेल्डम दिस है तो आप किसी तरह से इन्फ्रेंस ड्रॉ करके मान लेते थे ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए अब अगर आपको कुछ फैकल्टी से बात करने की इच्छा है तो आप कुछ मत करो क्यूआर कोड स्कैन करो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो 99.99 नाइन पॉइंट नाइन नाइन जो चीज़ आपको सता रही होगी उसकी रीजनिंग आपको उस क्यूआर कोड में वॉइस कोड में सुनने को मिलेगी मैंने आंसर पढ़ा नहीं है मैंने बेसिकली उसका जो क्रक्स है वो डिस्कस किया आपको रिवीजन के समय एक एक ऑडियो पॉड सुनना नहीं है आपको सिर्फ एज अ बैकअप जहां आप फंस रहे हो वहां पे आपको जहां कंफ्यूजन है वहां पे आपको ये सुनना है अब ये हमने पहले बना दी दिसंबर में हम इस कंसेप्ट को लेकर आए थे ये बन गई पर फिर हमको एक चीज़ समझ में आई कि स्टूडेंट कहीं ट्रैवल कर रहा है उस समय तो करता नहीं था पर अब तो करना शुरू कर दिया तो ये किताब में अब उसको जब तक क्यू कोड सामने नहीं होगा वो स्कैन नहीं कर पाएगा तो उसकी अलग दिक्कत हो जाएगी तो इसके लिए व्हाट वी डन इज हमने ये पूरी की पूरी किताब के सारे के सारे क्वेश्चन आपको लिस्ट में दे दिए अब इसका मतलब क्या हुआ आपको लाइन से क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री भी मिलेगा यू डोंट हैव क्यूआर कोड आप क्लिक करो क्वेश्चन है उसका आंसर है आप सुनिए आप सुन सकते हो ऑन द गो आपको अगर क्वेश्चन बैंक रिवाइज करनी है तो आप रिवाइज कर सकते हो नॉट जस्ट दिस इज समथिंग अ मोर टू दिस व्हाट वी ऑल्सो डन इज और ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है I at least feel like that. What will happen is ये जो मैं आपको बता रहा था you get a lecture list like this. What happens लिस्ट ये पूरी अभी आपको दिखेगा नहीं आपको जो पूरी lecture list मिलेगी इस lecture list में you will basically get what? A flag which is known as amendment. Suppose आपका attempt छ महीने साल भर बाद है मेरा ऐसा मानना एक प्रॉब्लम ही होती है कि जब भी कोई अमेंडमेंट आता है तो क्वेश्चन के आंसर्स चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा बताओ ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे आर यू एबल टू सी इट पे हमने क्या किया है ऐसे अमेंडमेंट के फ्लैग दे दिए इसका मतलब क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन लेट से फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया जिसमें कहा एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकता है क्या पहले नहीं कर सकता था ओके ओके भाई रुक जाओ पहले नहीं कर सकता था अब कर सकता है क्लास जब हुई तब नहीं कर सकता था अटेम्प्ट से पहले कर सकता है अब मैं आपको एक अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि भाई इंस्टीट्यूट ने अमेंड कर दिया फिर भी मैंने ऐसे देखा है कि अमेंडमेंट कितना भी समझा दो कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको कोई जगह पहली बार जाना है और वहां पर लिखा हुआ है कि रिसेप्शन राइट में है और पहली बार उस होटल गए फिर भी वो आसपास कोई अगर आदमी या वेटर मिल जाएगा तो उससे पूछेंगे रिसेप्शन का है अच्छा राइट में ही है ना तो ये कंफ्यूजन नहीं बोर्ड कभी गलत नहीं लगाओ हो और रिकन्फर्मेशन चाहते तो वो क्वेश्चन आया अब उसमें सर आंसर के अपन चेंज करके लिख हैं ऐसे मन में डाउट आते हैं मैं भी स्टूडेंट था मेरे भी मन में आते थे क्योंकि अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है रिकनफर्म करने को लगता ही था किसी भी क्वेश्चन का क्लास के बाद अगर अमेंडमेंट हुआ है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अमेंडमेंट के बाद हम उसका पीछे जो ऑडियो पॉड है वो चेंज कर देंगे और एक फ्लैग लगा देंगे येलो कलर का अमेंडमेंट जितने क्वेश्चन में आपको अमेंडमेंट का फ्लैग दिखे आप वो क्वेश्चन पर जाइए क्लिक करिए आपको अमेंडेड आंसर सुनने को मिलेगा यानी आप अमेंडमेंट पढ़ रहे हो अमेंडमेंट के अंदर जो जो क्वेश्चन चेंज हुआ है उसकी हम पीडीएफ तो दे ही देंगे अब आपको उसकी भी जरूरत नहीं है लेने की आप जहां आपको लग रहा है डायरेक्ट आप स्कैन करके देख लो वो भी छोड़ो आप देख लो यहाँ पर किस में अमेंडमेंट का फ्लैग है बस वो वाले क्वेश्चन पे आप क्लिक करके सुन लीजिए कि इसमें आंसर किस तरह से अमेंड हुआ है यानी दोस्तों आपकी ये जो हार्ड कॉपी वाली बुक है इस हार्ड कॉपी की बुक को भी हमने अपडेट करना शुरू कर दिया दैट मीन्स दिस बुक हैज ऑल्सो बिकम डायनामिक यानी अभी तक क्या होता था एंड्रॉइड में ऐप में अपडेट आती थी विंडोज की अपडेट आती थी सॉफ्टवेयर अपडेट होते थे अब आपकी हार्ड कॉपी किताब की अपडेट हो जाएगी ऐसा किया है बिकॉज अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच इज टेक अवे ऑल योर क्वेरीज एंड इश्यूज तो ये दोस्तों आप लोगों को मिलेगी ये किताब और जितने अपने क्वेश्चन बैग में क्वेश्चन है इस सारे क्वेश्चन बैग के आपको मिलेगी क्यू आर कोड आप बिंदास सुनिए और अमेंडमेंट से अपडेटेड रहिए इसके साथ में और कुछ चीज़ें मैंने डाल दी है इसमें आप लोगों के लिए आप मार्क कर सकते हो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या आपको लगता है रिवाइज है इंपॉर्टेंट है आपको जो मार्क करना है कर दीजिए इसके अलावा वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज आप वहां पे क्वेरी भी डाल सकते हो तो दर इज अ सिस्टम आप क्वेरी में जाइए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी एक क्वेरी डाल दीजिए बैक एंड से आपको टीम आंसर देगी और बोलेगी कि आपकी इस क्वेरी का ये जवाब है तो आप उस क्वेश्चन से स्पेसिफिक क्वेरी पूछ सकते हो तो क्वेश्चन आंसर बैंक का आपका सारा प्रॉब्लम और आपकी सारी जो जरूरत है उम्मीदें मुझे ऐसा लगता है कि वी वुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट आई थिंक यू विल काइंड ऑफ यू नो लाइक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव और अगर आपको इसका फायदा मिले तो मेहनत का मतलब निकलेगा बट एटलीस्ट uh, uh, जो रेगुलर बैच के हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं दे हैव रियली फाउंडेड टू बी वेरी वेरी यूजफुल एंड दिस इज अ टूल विच रियली इज़ अ यू नो दिस इज मीनिंग फुल यूज ऑफ आई टी दट्स वॉट वी थिंक चलिए सो वट यू गेट इन दिस पर्टिकुलर बैच इज़ अ द्रोन चार्ट you get a question bank which will have all your topics except special audit and uh, apart from that uh, you also get an mcq book mcq book aapki kaisi hoti hai to ye main aapko bata dun ye version 4 hai mere paas ya aapko version 5 milega iska linear version hai ye thoda sa elongated hai isme institute ne jo mcq case study booklet abhi publish ki thi jisme 100 independent mcqs और i think 30 odd integrated mcqs थे वो सब प्लस एम टी पी आर टी पी इंस्टीट्यूट का सारा कंपाइलेशन इनफैक्ट स्टडी मटीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन जो अब हटा दिए गए हैं वो भी जो रेलिवेंट है वो भी डाल दिए मैंने वो सब कंपाइल करके एक एम सी क्यू बुक आपको बना दिए एम सी क्यू बुक आपको सिर्फ कैसे यूज करना है एडिशनली आप रेगुलर आपकी किताब से आपका क्लास पूरी कर लीजिए और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एमसीक्यू टेस्ट कर लो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग फाइन ट्यून होगी पर ऐसा नहीं है वो पढ़ के एग्जाम में वैसा एमसीक्यू आएगा पर ऐसा जरूर है कि वो पढ़ के कई बार ऐसा भी होता है जैसे इस बार इंस्टीट्यूट के पेपर में जुलाई 21 में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एमसीक्यू था पर क्वेश्चन नहीं था डिस्क्रिप्टिव पर वो एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया तो मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लाई देती है तो वो आपके लिए एक मटीरियल जाएगा जिससे आप सारे एमसीक्यू कवर कर लोगे नंबर ऑफ बुक्स अगर आप देखें तो ड्रोन चार्ट दो क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दो और एमसीक्यू बुक एक है तो ऐसे आपको तीन बुक मिलेगी जिसमें दो में दो दो है तो संख्या में आपको पांच बुक्स मिलेंगी स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिलेगा स्टडी मटेरियल रेगुलर बैच में होता है जिसको तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं एथिक्स कंपनी ऑडिट एंड द थर्ड वन इज एस किसी ने एक सवाल पूछा है चैट में सर डू यू रिकमेंड वी शुड ऑर्डर स्टडी मटीरियल सेपरेटली आई वुड रिकमेंड आई एम दोड ऑफ स्टूडेंट जो वास्टर भी करेगा तो रखेगा कि यार मटेरियल तो पूरा होना चाहिए मेरे पास जरूरत पड़ी तो देख लूंगा बाद में मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े तो इफ कॉस्ट इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी आई वुड रादर ऑर्डर एंड कीप इट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई कैन रेफर इट शुड़ाई सीट ऐसे एज में हो सकता है आप अगर उससे पढ़ोगे तो थोड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा थोड़ी सी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए अदरवाइज क्वेश्चन बैंक भी सफिशियंट है बट ऑब्वियसली बात है हर टॉपिक पे आज तक ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ चुका है तो डिस्क्रिप्टिव देखने के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो वाई नॉट इंक्लूडेड इन द फास्टर बच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दट कि इसको हमने उसमें शामिल क्यों नहीं किया ठीक है तो आई होप दिस काइंड ऑफ हेल्प्स ये आपकी किताबों का पूरा आपको मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया जी वाले स्टूडेंट्स को बड़ा डाउट रहता है कौन कौन सी किताब आएगी पैकेट में सब कुछ है या नहीं ये फाइनल है जो आपको मिलेगा ठीक है दोस्त चलिए इसके अलावा आपको टेक्स सपोर्ट क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ चलिए सो दिस इज समथिंग विच सी का दर्द अमेंडमेंट आई नो सर सेम थिंगस विद मी एवरी टाइम इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई फास्ट फॉर अ ब्यूटीफुल इनोवेशन आइडिया नाइस रिवल्यूशन थैंक यू सो मच फॉर दिस कूल इसके अलावा आपको क्या मिलेगा जितनी आपकी किताबें दोस्तों सब आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगी जो आप अपने लैपटॉप पे मोबाइल पर नहीं लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो मोबाइल का भी इसका एक्सेस जब आपके पास फास्ट की पूरी अपडेटेड ऐप आ जाएगी तो मोबाइल में भी आपको सारे डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे ये इनक्रिप्टेड होंगे आप इससे प्रिंट नहीं निकाल पाओगे लेकिन आप ऑन द गो कहीं पर भी इसको रेफर करके कोई भी चीज स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो बुक्स जितनी जितनी आपको मिल रही है है स्टडी मटेरियल एमसीक्यू ये वो जितनी है, सब आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी अभी विंडोज में देख पाओगे मोबाइल के लिए कुछ समय लगेगा मे बी मंथ क्लास में हम लोग टोटल तीन टेस्ट लेंगे पहला टेस्ट हमारा एथिक्स कंप्लीट होने के बाद दूसरा कंपनी ऑडिट होने के बाद तीसरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट होने के बाद होगा यानी आप यू समझ लीजिए एवरी थ्री टू फोर लेक्चर्स के बाद में हम एक टेस्ट प्लान कर पाएंगे हालांकि नॉर्मली टेस्ट वुड बी ऑन संडेज तो आप ये मान के चलना कि मंडे टू सैटरडे वॉट एवर यू स्टडी देर वुड बी अ टेस्ट ऑन संडे फॉर इट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर थ्री वीक्स फिर पूरे कोर्स का हमारा एक टेस्ट होगा तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इन टोटल यू आर गोइंग टू हैव थ्री प्लस वन टेस्ट इन द क्लास नेक्स्ट डेली हम क्लास में क्या करने वाले हैं तो जैसे अभी अपन ने प्लान किया हमारा लेक्चर लाइव लेक्चर दो दो घंटे के दो पार्ट में होगा एक लेक्चर विल बी ऑफ थ्री एंड ऑफ फोर थ्री एंड ऑफ टू तो फोर आवर्स लेक्चर टू में लेक्चर वन में जो पढ़ा है शुरू के पंद्रह मिनट पूरा रिवाइज होगा और फास्ट की ऐप पे अवेलेबल होगा जो आपको बैकअप मिलता है लाइव बैच के स्टूडेंट्स को उसके अलावा ही अवेलेबल है ये जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स को बैच खत्म होने के बाद दिया जाएगा ये क्यों दिया गया है वॉट वी डो इज़ मेरा ऐसा मानना है कि जब क्लास चलती है तब तक सब कुछ सही रहता है पर अगर क्लास और एग्जाम में गैप ज़्यादा हो जाता है तो बीच में स्टूडेंट को एक फीलिंग आती है कि यार मैं चीज़ें भूल रहा हूं और फिर जब वो किताब उठा के पढ़ना शुरू नहीं करता है तो धीरे धीरे उसकी ये फीलिंग और ज़्यादा गहन होने लग जाती है ऐसे केस में अगर उसको थोड़ा सा कोई एक बार सुना दे पाँच मिनट सुना दे कि यार क्या क्या पढ़ा था क्या था एक ओवरव्यू दे 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 देन ही इज़ ऑन इज ओन हमने सोचा इसके लिए क्यों ना ऑडियो पॉड बना के शेयर कर दें हमने बोला इससे अच्छा एक काम करते हैं अपन क्लास में ही सिस्टमेटिकली जो आज पढ़ा है उसका अगले दिन पंद्रह मिनट रिविजन करेंगे भाई हमारा रेगुलर लेक्चर फास्ट ट्रैक बैच में तीन साढ़े तीन घंटे का होता है उसको आधे घंटे पंद्रह मिनट बढ़ा देंगे और वो एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ रिविजन करेंगे ये रिविजन आपको रिकॉर्ड करके ऐप में अवेलेबल करा दिया जाएगा और ये डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर रिविजन को एक्सेस कर सकते हो इससे फायदा क्या हुआ आई थिंक आप समझ में आ गया आपको लेक्चर टू में आपको ऐप आप में एक पहला वीडियो मिलेगा जिस वीडियो को आप बाद में एक्सेस करोगे तो उसमें लेक्चर वन का रिविजन होगा तो अगर आपकी एग्जाम लेटे और आपको एक बार रिकैप करना है तो आप लेक्चर लिस्ट से देख लो कि यार आपको कौन सा टॉपिक शुरू करना है अच्छा ये लेक्चर सिक्स से शुरू हुआ था तो चलो लेक्चर सेवन का एक बार रिविजन सुन लेते हैं तो फटाफट चीजें रिकैप हो जाएगी तो इस तरह से आपको मिलेगा उसमें व्यूज की कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगी पर आप इसको देख सकते हो दिस इज डेली रिविजन इन दी एप इसके लिए व्हाट वी डू इज़ वी विल शेयर द लेक्चर लिस्ट विद यू हाउ इज़ द लेक्चर लिस्ट लुकिंग लाइक अब ऑब्वियस सी बात है वो तो जब बैच खत्म होगी तब आपको मिलेगी अभी मैं आपको मेरी एक लेक्चर लिस्ट जो रेगुलर बैच है हमारी मैं उसकी आपको बता सकता हूँ तो इस तरह की आपकी रेगुलर बैच की लेक्चर लिस्ट होती है उसमें भी हम इनिशियल रिविजन देते हैं कितने मिनट का इनिशियल रिविजन लेक्चर है ये सब ट्रांसपेरेंट है दस मिनट दस मिनट सात मिनट तेरह मिनट पार्ट वन पार्ट टू आपके लेक्चर कितने टाइम के थे और इस तरह से आपकी पूरी ये लिस्ट है सेम ऐसी आपको फास्ट ट्रैक बैच की भी मिल जाएगी ठीक है डाउट सॉल्विंग कैसे होगी लाइव वाले स्टूडेंट तो लाइव बेसिस पे डाउट सॉल्व कर सकते हैं जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए अब हमने एक नया सिस्टम चालू किया है लेट फास्ट सॉल्व एट जी आपका कोई भी डाउट है आप सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट लिख दो ऑडिट आपका कुछ रेफरेंस स्टूडेंट डिटेल देके जो भी आपका डाउट है नीचे दे दीजिए क्लियर फॉर्म में कोई क्वेश्चन रेफर कर रहे हो बुक का तो उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके मेल कर दो वी विल रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर ईमेल टू सॉल्व योर डाउट दिस इज एप्लीकेबल फॉर जी डी लाइव एवरी स्टूडेंट ठीक है सो यू कैन बेसिकली रेफ़र टू दिस इसके अलावा क्या करेंगे वॉट वी हैव डन की क्योंकि अब क्लास में एमसीक्यू तो सॉल्व नहीं करेंगे अपन सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो मैंने ऐसा किया क्लास के बाद में टेलीग्राम ग्रुप के अंतर्गत आपको जो टॉपिक अपन ने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू बुक में आई रिपीट जितने भी एमसीक्यू अपनी एमसीक्यू बुक में वो सारे एमसीक्यू सी में आपको टेलीग्राम में एमसीक्यू फॉर्म में दे दूंगा जस्ट टू काइंड ऑफ शो दिस टू यू हाउ वी डू इट तो जैसे अपनी फॉर एग्जाम्पल रेगुलर बैच हुई तो ये रेगुलर बैच में अपन ने लचे एक इस तरह का क्या किया ग्रुप बना दिया ऑर्डर ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें जो क्लास के दौरान मैंने पोल क्विज कराई और क्लास के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो दी लेक्चर वाइज ये मैंने सारी आपको यहाँ पे ऐसे दे दी तो इस तरह से आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे ये देखो लेक्चर सिक्सटी वन पोल्स तो क्लास में जो पोल कराई वो सारी पोल्स यहाँ पर आ गई इसमें कोई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं एम हैं वो सब यहाँ पे आपके आ गए इससे क्या, क्या हुआ क्लास खत्म हुई क्लास का रिविजन किया उससे रिलेटेड सारे एम आपके पास टेलीग्राम ऐप में आ गए आपको लगा आपने वहीं वहीं पर उसको सॉल्व कर लिया कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप थी क्योंकि ऐसे भी एम अंडरस्टैंडिंग सुधारने के लिए अगले दिन क्लास में क्लियर कर लिया या वहीं पे डाल दिया दूसरे स्टूडेंट ने क्लियर कर दिया मामला ख़त्म एक दिन में जो पढ़ा वो पूरा हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो गया आपको लगता है उस समय नहीं कर पाए बाद में रेफरेंस के लिए चाहिए तो किताब है फिर वहां से रेफर कर लेना साथ साथ करने से बढ़िया कुछ भी नहीं है ठीक बात है दोस्तों तो ये एमसीक्यू भी अपने इस टूल से बिना समय इस पे डाले अपन क्लास में साथ साथ एम भी पूरे कवर कर लेंगे अमेंडमेंट सी ए का दर्द उसको कैसे कवर करेंगे एक बार अमेंडमेंट का बता दूं इंस्टीट्यूट की पॉलिसी अमेंडमेंट छः महीने बाद एप्लीकेबल होता है यानी कोई भी नवंबर की एग्जाम में तीस अप्रैल तक के नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट कवर होंगे अक्टूबर तक के कवर होंगे मे एग्जाम में हालांकि अगर कोई नया स्टैंडर्ड आ जाता है पूरा का पूरा शेड्यूल थ्री नया आ गया स्टैंडर्ड नया आ गया पूरा कारो नहीं आ गई तो नॉर्मली इंस्टीट्यूट फिर उसको बारह महीने बाद लागू करता है यूजली फिक्स नहीं है ऐसा उनका तो ये आप दिमाग में रख सकते हो तो अगर आपका अटेम्प्ट मे ट्वेंटी टू है तो आपको ये याद रखना है कि भैया आपने तीस नवंबर तक के सॉरी है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स आपके कवर होना चाहिए ये क्लास में जितने अमेंडमेंट्स क्लास होने तक आते हैं वो सब कवर ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे आपके इनफैक्ट क्लास शुरू होने तक के तो सारे अमेंडमेंट्स मटेरियल वगैरह में ही सब जगह कवर्ड है इसके बाद अगर कोई अमेंडमेंट आया तो कैसे देंगे अमेंडमेंट तीन तरह से आएगा एक अगर अमेंडमेंट के लिए कोई हल्का फुल्का अमेंडमेंट है कि कहीं कोई पेनल्टी थोड़ी सी चेंज हो गई या कुछ तो हो सकता है सिर्फ नोट्स आए अदरवाइज नॉर्मली हम एक वीडियो देंगे और साथ में नोट्स दे देंगे नोट्स कैसे देते हैं जो नया वर्जन होता है किताब का जहाँ जहाँ चेंज होता है उत्ते उत्ते पिक्चर को काट के आपको पेज नंबर वाइज दे देते हैं कि ये ये पेज पे ये ये चेंजेस हुए कोई नई चीज़ आ गई तो उसके नए नोट्स दे देंगे नॉर्मली नए नोट्स में ड्रोन चार्ट भी आपको मिलेंगे तो वो आपको रेफर करने में काम आ जाएंगे इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अमेंडमेंट की ऑडियो पॉड अपडेट हो जाएगा और उसकी एक पी बन जाएगी आप उससे उसको एक्सेस कर सकते हो टेंशन अमेंडमेंट का खत्म अमेंडमेंट के अलावा कई बार इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल में चेंज कर देता है जैसे एसएम 2021 आया ट्वेंटी वन उम्मीद नहीं है 2022 में कोई मेजर चेंज होगा बट नेवर द लेस ट्वेंटी आएगा तो उसके चेंजेस हम कैसे कवर करेंगे तो चेंजेस एक तो स्टडी मटेरियल में आते हैं सेम जैसा अमेंडमेंट कवर होता है सेम इस तरह से इसको भी कवर कर लेंगे नॉर्मली ये नोट्स के थ्रू कवर हो जाता है अनलेस एंड अंडल में कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है तो नोट्स के थ्रू वीडियोज इसका शायद ना मिले आपको सिमिलरली इंस्टीट्यूट ने कई नए क्वेश्चन ऐड किए एम टी पी आर टी पी तो आपकी जो क्यू आर कोड की बुक है उसमें जितने नए क्वेश्चन ऐड होंगे वो नए क्वेश्चन ऐड होकर आखिरी में आ जाएंगे और उसके अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा अमेंडमेंट्स स्लैश चेंजेस यानी आप समझ जाओ कि ये क्वेश्चन आपका नया ऐड हुआ है इसलिए आपको इसको एडिशनली पढ़ना है तो यहाँ से कवर हो जाएगा पी डी एफ आपको मिल जाएगी ठीक है जितनी चीज़ें क्लास में मैं आपको नोट कराऊंगा या जो ऐसे इस तरह के नोट्स में दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपका अपना एक फ़ास्ट का एल है ये एल में आप एक्सेस कर सकते हो वॉट इज दिस एल एमिस लाइक जस्ट टू टेल यू सो यू कैन गो ये मैंने खोल रखा था आपको बताने के लिए uh, चलो मैं कैसे मिलेगा आपको लेट मी शो दिस टू यू सो यू गो टू फास्ट डॉट ई डी यू डॉट आई एड ये फास्टर बैच ही कर रहे हैं अपन भाई हमें क्यों बता रहे हैं हम तो ज्वाइन कर लिए हैं स्टूडेंट लॉगिन का एक ताला दिखेगा यहाँ जाइए लॉगिन में आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है ये यूज़र आईडी पासवर्ड क्या होगा ये आप डाल दो आपको मिलेगा कैसे मिलेगा लाइव बैच के स्टूडेंट को ग्रुप में मिलेगा जी के स्टूडेंट में आपकी गूगल ड्राइव में नोटिस बोर्ड ऑडिट फास्टर नाम की एक फ़ाइल होगी उसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा अभी कॉमन यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा फास्ट की पूरी ऐप मिल जाएगी फिर वहीं से आप सीधा एक्सेस कर सकते हो अभी यहाँ से करना है यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे तो इस तरह से आपकी एक पोर्टल खुल जाएगी इसमें आपको क्या मिलेगा अपनी क्लास वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे तो जैसे लेक्चर आपका लच्चे फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से चल रहा है तो अपनी क्लास शुरू हुई थी तो लेक्चर वन सबसे नीचे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहाँ पे जितने भी अपने डिस्कशन हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उसके आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे तो ये इस तरह से सिंपली आपका चलते रहेगा तो फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या होता है नोट्स में अगर मुझे लगता है कि कोई इस दौरान कोई अमेंडमेंट आ गया या मैंने कभी आपको रियल लाइफ कोई एनुअल रिपोर्ट वगैरह बताई तो देन इन दैट केस अब ये मुझे आइडेंटिफाई करवा रहा है मान नहीं रहा है कि मैं मैं हूँ कोई बात नहीं भाई चलिए ठीक है नो प्रॉब्लम मैंने एक ऑफिस से ले लिया था यूजर आई पासवर्ड आपको दिखाने के लिए ले भाई सेव कर ले मेरा पासवर्ड तो आप कहीं पे भी चले जाओ यू कैन गो टू एनी पर्टिकुलर थिंग तो लेट्स फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग ये डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीडीएफ आप ओपन करके देख सकते हो आपके उस दिन के जो भी आपके नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको यहाँ पे देख जाएंगे इसे इम्पोर्ट करके देख लीजिए सिंपल है कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें आई वॉज सेन कि मैंने कभी कोई एनुअल रिपोर्ट दिखाई है इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके बोर्ड नोट्स में पीछे या फिर अलग से उसके नोट्स अपडेट कर दूंगा वो या एक्स्ट्रा मटीरियल कभी आप रेफर करना चाहें तो कर सकते हो लेक्चर लिस्ट मैंने बता दी क्लास खत्म होने के बाद इसको नोटिस बोर्ड के अंदर डाल देंगे या अलग से एक फाइल बना देंगे जी वाले स्टूडेंट वहां से एक्सेस कर सकते हैं रिविजन वीडियोज को एक्सेस करने के लिए ही आपको काम में आएंगे बैकअप लेक्चर्स लाइव बैच के स्टूडेंट्स को थर्टी परसेंट टाइम का बैकअप मिलेगा अपार्ट फ्रॉम जो डेली रिविजन वीडियोज़ वगैरह हैं जो अपने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के स्टूडेंट हैं उनकी व्यूज़ वैलिडिटी पहले से डिफाइंड होती है तो उनको उतने व्यूज मिलेंगे लाइव पोल्स और एमसीक्यूज अपन टेलीग्राम का अपना ग्रुप बन चुका है वहाँ के थ्रू क्लास में जो भी पोल्स एमसीक्यूज होंगी क्यूज़ वहाँ से मैनेज करी जाएंगी ये सारी जो क्लास में पोल्स एमसीक्यूज हुई हैं ये जितने अपने जीडीपीडी वाले स्टूडेंट्स हैं ये जो मैंने ग्रुप बनाया था इन सब में लेक्चर वाइज फॉरवर्ड कर देंगे तो लेक्चर वन में कितनी पोल्स हुई वो पहले आ जाएगी क्लास के बाद जो एम दिए वो बाद में आ जाएंगे जी वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करना चाहें पोल्स एम जो क्लास में लिए यू कैन डू दैट इसके अलावा आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज़ें चाहिए तो उस केस में यू विल हैव टू गो टू तो फास्ट स्टूडेंट केयर इसका ये ईमेल आईडी है दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर ई आप यहाँ पर कोई भी आपकी क्वेरी टेक्निकल रिलेटेड है टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें आ गई ऐप्स से रिलेटेड कोई इशू एक्टिवेशन से बैकअप लेक्चर एक्सेस करना एलमस को एक्सेस करना किताबें आपकी कहाँ पहुँची है डिस्पैच क्या हुआ है इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है आप सब यहाँ पर पूछ सकते हो आपने क्लास करी कोई क्वेश्चन पढ़ा किताब में कुछ देखा उससे रिलेटेड डाउट है वो बैक ऑफिस का बंदा सॉल्व नहीं करेगा वो मैं करूंगा वो आप लेट फास्ट सॉल्व एट जी मेल डॉट कॉम पर लिखेंगे पहले हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू डाउट सॉल्व करते थे वी हैव स्टॉप डूइंग दैट नाउ इट विल ऑल बी थ्रू लेट फास्ट सॉल्व एट जी मेल डॉट काम ई मेल आई डी के थ्रू होगा इसके अलावा यू हैव दिस कॉल नंबर्स टेन टू सिक्स थर्टी ये लोग अवेलेबल रहते हैं वर्किंग डेज पे आप इस दौरान कॉल कर सकते हैं ये जो अपन ने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है पोलजोर और एमसीक्यूज का इसमें कृपा करके आप कोई टेक्निकल इश्यूज़ या क्वेरीज वगैरह यहाँ पे आप वो सॉल्व यहाँ पर यूजुअली ना करें लाइव बैच के स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप है जिसको अभी अपन क्लास में बोल्स के लिए यूज़ करेंगे वहां पे यू कैन पोस्ट योर टेक्निकल इश्यूज अगर आपको यहाँ पे जवाब कभी ना मिले तो अदरवाइज कोशिश करें कि वो और ये सेपरेट रखें क्योंकि इस पर मेरा ध्यान रहता है आई डोंट वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल इन टू दोकल इशूज़ बिकॉज आई डोट रियली विल बी एबल टू हेल्प यू आर दैट तो कोशिश करके आप इसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में रखें और लाइव बोर्ड नोट्स मैंने आपको अभी बता दिया ये किस तरह से चलेंगे सब्जेक्ट अपन ने आई सी आई के मॉड्यूल से मैंने बता दिया कि कंपनी ऑडिट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे और स्पेशल ऑडिट के चैप्टर्स एग्जाम पेपर का पैटर्न आई सी आई का मॉड्यूल दैट्स ऑल अबाउट वॉट आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस टू यू आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूरेशन ऑफ द बैच द बुक्स विच गेटिंग द टेस्ट विच विल बी होल्डिंग द टेक्निकल सपोर्ट यू विल गेट हाउ यू गेट अमेंडमेंट्स स्टफ लाइक दैट एक आखिरी छोटी सी चीज़ क्लास के साथ पढ़ना कैसे सिंपल फंडा है कि आप अगर ऐसा हो सके कि आप क्लास uh, के अलावा चार से छः घंटे अगर ऑडिट को डेली बेसिस पे दे दे फास्ट ट्रैक बैच के साथ में फोर आवर्स इज गुड इनफ तो आई कैन टेल यू कि आपकी बैच के साथ साथ आपका पूरा ऑडिट वंस फॉर ऑल कंप्लीट हो जाएगा फिर सिर्फ रिविजन बचेगा रिविजन में आपको जो मेमोराइजेशन वाली चीज़ें वो बचेंगी अदरवाइज यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरा पूरा सिलेबस विथ ऑल क्वेश्चन इंक्लूडिंग आर टी पी एम टी पी पास्ट एग्जाम स्टडी मटीरियल क्वेश्चन एंड कंटेंट इज डन तो फोर आवर्स इज वाट आई एक्सपेक्ट ऑन डेली बेसिस ये फोर आवर्स में वॉट यू हैव टू डू रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में जो बेसिक डिफरेंस होता है एक वहाँ पे ए ए ए चलता है यहाँ थोड़ा एबीसी चलता है सेकेंड ऐसा नहीं है रेगुलर में भी कुछ जगह हम एबीसी करते हैं सारी चीज़ें एक जैसे डेप्थ में नहीं पढ़ सकते बट एनी विचवेज रेगुलर में हमारा खूब सारा समय क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में जाता है इनफैक्ट एसेज वगैरह के टॉपिक में तो क्लास में शुरू के एक घंटे हम लोग सिर्फ पिछले दिन में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करते रहते हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बैच का ड्यूरेशन रेगुलर बैच में कम करके बता दूं कि भैया चालीस लेक्चर है और दस पंद्रह लेक्चर वीडियो के तुमको अलग से दे दिए जिसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस्ड है फिर मैं दस पंद्रह लेक्चर भी क्यों बोलूँ मैं तो बोलूँगा अलग से तुमको थर्टी आवर्स के लेक्चर दे दिए जिसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं ऑडिट तुम्हारा चालीस लेक्चर में पूरा हो जाएगा बच्चा क्या होता है वो चालीस लेक्चर ही करता है क्वेश्चन आंसर करने वाले दस बीस परसेंट स्टूडेंट ही होते हैं ये सब गलतियां हम कर चुके हैं किसी ज़माने में और फिर स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम में उसको दिक्कत आती है फिर वो क्या बोलता है अरे यार क्वेश्चन नहीं हो पाए हालांकि वो ये भी बोलता है यार मैंने नहीं देखे थे बट नुकसान तो स्टूडेंट का हो गया इसीलिए वो स्टूडेंट है अपन टीचर है वी आर टीचिंग यू सो वी हैव टू टीच यू द राइट थिंग इसलिए हमने बोला भाई क्वेश्चन आंसर तो हम क्लास में इनकॉर्पोरेट करेंगे भले टाइम जाए पर अपन क्लास में कवर करेंगे इस बहाने तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर हो तो जाएंगे तो रेगुलर बैच में हम ऐसा करते हैं फास्ट ट्रैक में अपन वो वाला समय क्लास में यूज नहीं करेंगे दैट इज वेयर वी विल सेव मेजोरिटी ऑफ आर टाइम अपार्ट फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस जहां पर हम क्लास में चीजें लिखते ये सारी चीजें कॉपी में बनवाता यहाँ पे वैसा नहीं होगा ये रेडीमेड मिलेगा तो कॉपी बनाने पे अपना टाइम वो बचेगा ये बेसिक डिफरेंस है रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपकी क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन है जो आपसे बनेंगे मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा और बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस करना आप उन क्वेश्चन को पढ़ के सोचोगे मेरे हिसाब से क्या कंटेंट आना चाहिए क्या कंक्लूजन देखोगे आया या नहीं आया अगर आपको लगता है नहीं आया आप स्टाल लगा लेना आपसे गलत हुआ है मतलब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिंपल फंडा इम्पॉर्टेंट निकालने का क्योंकि उसी में आपसे दोबारा गलती होगी इसके अलावा मैं आखिरी में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा कि अगर आप मेरे हिसाब से पूछो तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अपनी ऐप है उसमें फ्लैग्ड भी होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आप एग्जाम से पहले या एक महीने पहले रिविजन में किन क्वेश्चन को वापस रिवाइज करना है वो आपके लिए कौन से है? जो आपसे पहली बार गलत हुए या जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए बस वो वाले इससे आप क्वेश्चन बैंक को कंसाइज कर लोगे और आपके मन में जो सवाल आता है कि क्या रिवीजन में क्वेश्चंस भी रिवाइज करना चाहिए उसका जवाब मिल जाएगा क्यों कोई चीज़ पूरी छोड़ना जब थोड़ा करके अपन पूरा कवर कर सकते हैं या उसका पर्पज ऑलमोस्ट अचीव कर सकते हैं तो डेली बेसिस वॉट वी स्टडी आई गिव यू होमवर्क क्वेश्चन यू डू दोज होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट डे वी कम्प्लीट द क्लास आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर देन वी स्पेंड फिफ्टीन और मिनट्स डिस्कसिंग इफ यू हैव एनी डाउट्स दोज डिस्कशन ऑफ डाउट्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड एंड शेयर विद द जी डी पी डी स्टूडेंट इन केस अगर उनके भी सेम डाउट्स हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाएंगे हाव एवर आई टेक केयर की क्लास के दौरान जो लेक्चर्स हो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट है वो सब मैं कवर कर दूँ तो यूजअली आपको डाउट आएगा नहीं ज्यादातर डाउट क्लैरिफिकेशन या रिकनफर्मेटरी नेचर के होंगे इस तरह से आई थिंक वी विल टेक केयर ऑफ द बेस्ट एडवांटेज और एफिशिएंट के साथ साथ अपन इफेक्टिव भी कर पाएंगे इकोनॉमिकल तो ये है ही इस तरह से अपन अपनी बैच को रन करेंगे ठीक है जी तो किसी ने कहा है सर दो घंटे की क्लास और चार घंटे की सेल्फ स्टडी नो आई एम सेइंग कि अपने दो एक चार घंटे की क्लास में अगर आप चार घंटे दे दें तो जैसे लाइव वाले अगर स्टूडेंट है तो वो लोग अपनी क्लास एज सच दो पार्ट में डिवाइडेड है टू एंड टू आवर्स तो उस एंगल से फिर आपके लिए दो दिन में मिला के चार से छः घंटे हो गए ऐसा तो लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए फोर टू सिक्स आवर्स एवरी टू डेज और गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स के लिए यू शुड स्पेंड फोर टू सिक्स आवर एवरी डे अलॉन्ग विद द क्लास इतना समय लगता है क्या देखो रिवाइज करने के लिए एक घंटा फिर क्वेश्चन आंसर्स आप सारे करोगे उसमें फिर कहीं अटक गए रिवाइज करना पुराना पढ़ना है क्योंकि हर संडे आपका टेस्ट होने वाला है उसकी तैयारी करना तो समय आपको निकालना पड़ेगा ये वो है जब परफेक्शन आपको चाहिए एकदम बढ़िया अपन तैयार हो जाए कल ले उसके लिए ठीक है जी चलिए okay, ओके बहुत बढ़िया सर आपका 2020 वाला एडिशन एसएम का चलेगा क्या तो देखो दोस्तों आई वुड नॉर्मली सजेस्ट कि अगर आप पुरानी कोई किताब से पढ़ चुके हो तो उस केस में अमेंडमेंट लेके उसको कंटिन्यू कर लो लेकिन अगर आप उससे पढ़े नहीं हो सिर्फ आपके पास रखी हुई है तो आप लेटेस्ट बुक लीजिए क्योंकि होगा क्या दोस्तों किताब की कीमत पाँच सौ आठ सौ रुपये जो भी होती है आई शुड नॉट टॉक अबाउट मनी बट देन द पॉइंट इज उसके से ज्यादा समय आप उस ट्रस्ट में लूज कर बैठोगे कि यार इसमें कहीं कोई अमेंडमेंट तो नहीं है जो मुझसे मिस हो रहा है तो इफ दैट इज वन इज नॉट अ कंसर्न फॉर यू एंड इफ यू नॉट स्टडीड फ्रॉम दैट यू टेक द लेटेस्ट बुक्स इफ यू ऑलरेडी स्टडीड यूर डन मार्किंग दो आर आर मोर प्रेशियस एंड वैल्यूएबल देन इन दैट केस यू कैन देन ओनली रेफर टू दमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स हम लोग टेलीग्राम का अपना फास्ट का एक चैनल है सी एस हाथक नीरज जैन के नाम का उसमें जहां जहाँ अमेंडमेंट्स होते हैं वो वहां पर शेयर करते हैं वहां से आपको रिकनसाइल करके पूरा अमेंडमेंट बनाना पड़ेगा ठीक बात है दोस्त चलिए मोबाइल और कंप्यूटर आप साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं क्या लेक्चर्स देखने के लिए नहीं बाकी सारे टूल्स को यूज़ करने के लिए मोबाइल ऐप आप, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो लेक्चर एक समय पर एक ही जगह दिखेगा आप एक जगह से लॉग आउट करोगे तभी दूसरी जगह लॉग इन करेंगे इसे कहते हैं फास्ट का इंटरनल कंट्रोल चेक चलिए सर लॉ भी पढ़ाओ मैं देखो ऑडिट और एफ में ही मेरा वजन कम होते जा रहा है तो लॉ में तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं ठीक है एज जे मटीरियल भी होगा ना मैंने समझा दिया आपको एज जे मटीरियल यूल इट सेपरेटली ठीक है टीम वेन विल वी गेट द बुक्स आई थिंक बुक्स एव ऑलरेडी हैव बीन डिस्पैच्ड टुडे और वी लाइव बैच के स्टूडेंट्स के लिए वी यूज द फास्टेस्ट ऑफ़ द करियर इनफैक्ट बुक की डिलीवरी के लिए हर लाइव बैच का स्टूडेंट तारीफ करता है कि सर हमें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आ गई कितनी बार तो ऐसा होता है मैं क्लास में बोलता हूँ कि यार बुक्स परसों डिस्पैच हो गई और बच्चा बोलता अरे सर घंटी बजी और किताब आ गई सर ज़्यादा हो गया झूठ नहीं बोल रहा मैं यहाँ मेरे बार फास्टर के भी बच्चे आप उनसे पूछ लेना चलिए नवंबर गिविंग आई हैव टेकन फास्टर एज वेल आई एम डूइंग एफ आर होमवर्क डेली आई स्पेंड फोर यू सजेस्टेड वुड दैट बी इनफ फॉर एग्जाम फॉर योर एंड ऑडिट यस इट शुड बी डन चलिए सिक्सटी प्लस आने के चांसेज है ना सर आपकी स्ट्रैटेजी से तो देखो एक चीज समझना हम सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ाते हैं एक टॉप करता है एक नहीं करता है कुछ फेल भी होता है इसका मतलब दिस इज ऑल बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट सेल्फ स्टडी प्लस व्हाट वी टेक एंड यू नो दिस अपन एफर्ट इतना डालेंगे तो आई कैन बी वी कैन बी रेस्ट अश्योर कि अपन एग्जाम में पेपर ऐसा करके आएंगे कि अपने को अंदर से लगेगा कि उस पेपर के परस्पेक्टिव में अपन बढ़िया धर के आए रही बात मार्क्स की तो मैं कमिट इसलिए नहीं करूंगा दोस्त मेरे क्यों क्योंकि आपको जान के ताजुब होगा पलक अग्रवाल जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था आईसीआई का सर्टिफिकेट मिला था ऑडिट में हाइएस्ट पेपर अवार्ड का एफ फर्ग्यूसन और स्कॉलरशिप देता है बारह हज़ार रुपये की उसको स्कॉलरशिप मिली थी एफ फर्ग्यूसन से अवार्ड की उसके हाईएस्ट मार्क्स कितने थे कोई गेस्ट कर सकता है तो आप लिखो जरा शी गॉट ओनली सेवेंटी मार्क्स वो ऑल इंडिया हाईएस्ट है अब आप देखो उस पेपर में सत्तर मार्क्स ऑल इंडिया हाईएस्ट आए ऑडिट में अब आप सोचोगे सिक्सटी प्लस लाना आसान होगा क्या क्या टिपिकल मोहित अग्रवाल के एट्टी फाइव मार्क्स थे जब उसने ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर किया यानी ऑल इंडिया आई के मार्क्स ही दो अटैम्प में इतने वेरी कर रहे हैं तो पेपर पैटर्न ही फिक्स नहीं है चेकिंग का पैटर्न इंस्टीट्यूट का फिक्स नहीं है इसलिए ये प्रिडिक्ट करना कि अपन कितने मार्क्स ला पाएंगे फिक्स नहीं सर ये तो आपने डरा दिया ऑल इंडिया आई ए एस बोल के तो दोस्तों थोड़ा डर जरूरी है अच्छे से तैयारी और पढ़ाई करने में एवरी अटेम्प्ट इज डिफरेंट यू एंड मी के नॉट चेंज इट लेट्स बी रियलिस्टिक आई ऑलवेज एम एफ तो प्योर बिलीफ दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट आई विल नेवर प्रिपेयर एनी ऑफ माई स्टूडेंट फॉर जस्ट द अपोजिट मैं आपको सुनहरे ये चीजें दिखाऊं जिससे आपको डर ना लगे आप कंफर्ट जोन में रहो और एग्जाम में आप डिस्कंफर्ट में रहो आई विल रादर नॉट डू दैट आई विल रादर पुट यू थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ द थिंग्स सो दैट यू फील दिस सब्जेक्ट इज टफ यू स्टार्ट स्टार्टिंग इट वेरी वेल इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इट विल टफ कब होती है जब चीज़ समझ में नहीं आती समझ आ गई तो टफ नहीं है तो टफ नहीं लगेगा आपको लगेगा कि यार ये क्या है ये थोड़ा सा डिमांडिंग है ये मेरा समय जा रहा है मुझसे मेहनत कराना चाह रहा है आप उससे पसंद आएगा समय आपके पास होगा आप दोगे तैयारी करोगे अच्छे से प्रिपेयर हो अपने आप पेपर अच्छा जाएगा एक ओवरऑल अपनी अप्रोच और पैटर्न अपना थोड़ा सेट होगा ठीक है सीरियसली सर सत्तर पर हाईएस्ट क्या बात कर रहे हो मुझे मालूम था इससे घबराहट होती है इसलिए ये मैं बोलता ही बताता ही बताता हूँ क्यों क्योंकि हुआ है ऐसा ठीक है चलिए वैभव ने कंफर्म किया भाई यार करके सर कि हमें किताब समय पर मिली है या बैच uh, खत्म होने के बाद की रिवीजन स्ट्रैटेजी आखिरी दिन जो क्लास की होती है ना उसमें मैं आपको यह सब बताऊंगा कि क्लास के बाद अब आपको कब कब कैसे पढ़ना है किस मटेरियल से कैसी चीज़ें कवर करनी है लास्ट डे ऑफ द क्लास आई टेक दैट एंड एवरी क्लास आई टेक दैट ठीक है क्यू कोड वाले क्वेश्चन कब तक देख पाएंगे क्या उसका भी कोई टाइम लिमिट है हाँ क्यू आर कोड का भी एक्सेस का टाइम लिमिट होता है हालांकि उसके टाइम लिमिट आई थिंक एक या डेढ़ साल की हमने लिमिट उसकी डिफाइन कर रखी है तो वो कंपेरेटिवली थोड़े लंबे होते हैं लेकिन उसमें कोई नंबर ऑफ टाइम्स एक्सेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो हालांकि उस पर भी एक अपना इंटरनल कंट्रोल चेक है कि एक बार आपने जिस मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल कर ली आपको क्यू आर कोड का एक्सेस उसी मोबाइल पर मिलेगा अगर आप चाहते हो कि इसे कोई दूसरे मोबाइल पर एक्सेस करना है तो फिर वो संभव नहीं होगा अनलेस एंड एंटिल उसके कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जिसे फॉलो करके आपको लगेगा कि बेहतर है अपन दूसरी किताब ले लो और दूसरा एक्सेस ले लो तो इसके लिए आप जिस मोबाइल में अपनी ऐप इंस्टॉल करोगे क्यू आर कोड यूज़ करने के लिए बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू आर यूजिंग दैट मोबाइल विच यू रियली इंटेंड टू यूज़ सर कभी मोबाइल चेंज हो गया नया आ गया ऐसा कुछ हो गया उसके लिए प्रोसीजर्स है बट वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इट्स एन इंटरनल कंट्रोल चेक यू अंडरस्टैंड वाई ये सिर्फ एंड्रॉयड पे चलेगा आई यूएस पे आप काम नहीं करेगी ठीक है क्या आईसीआई का रेफर करना पड़ेगा देखो मैंने आपको बताया मैंने आईसीआई के मटेरियल मेरे पास रख रखे मैंने पढ़े हैं वो पढ़ के अपन ने अपना मटेरियल बनाया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब भी मुझसे कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है क्या आईसीआई का मटेरियल रेफर करना पड़ेगा मेरा उसके लिए जवाब क्लियर होता है क्लास में जो अपन ने पढ़ा है पूरा चैप्टर कर लो फिर उठा के रेफर कर लो उससे कुछ नहीं होगा तुम्हारे मन में ये जो एक शंका है जो कि होना चाहिए एवरी ऑडिटर शुड हैव बिकॉज इन गॉड वी ट्रस्ट अदर्स वी ऑडिट ये शंका दूर हो जाएगी तुमने पूरा एथिक्स पढ़ लिया ना उठाओ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल पूरा एथिक्स कैन कर लो तुमको देख के लगेगा हाँ यार सब कवर कर लिया किसी पे डाउट है तो क्लास में पूछ लो सर ये वाला क्या है केस लॉ दिए हुए हैं सर एथिक्स के मटेरियल में पढ़ने क्या नहीं पढ़ने कभी पूछते ही नहीं है एग्जाम में उसको छोड़ दिया तो फिर उसके बाद तो हाँ बाकी तो सब हो गया सर अच्छा तो बैंक ऑडिट पढ़ा ये सब पढ़ाओ उसमें हमने ये सब चीज़ कवर कर ली पर एक इंट्रोडक्शन दिखा कि हिस्ट्री दिखी कि ऐसा ऐसा ये नहीं देखा है पर देख के ही समझ आ गया कि ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए दिया भी नहीं चले एन पढ़ा एफ हाँ सर सारी चीज़ें आ गई इस पर सब कवर हो रही है इनफैक्ट हम तो रिलेट भी कर पा रहे थे इतना अच्छा लग रहा था पूरा स्टडी मटीरियल कवर हो तो क्यों कॉन्फिडेंस कम करते हो किया है तो देखो ना पर डरो मत कि यार ऐसे देखना पड़ेगा वो तो देखना ही रह गया आप मुझसे पूछोगे क्या देखना जरूरी है मैं बोलूंगा नहीं है मटीरियल से हो गया कवर आप मुझसे पूछोगे सर आप क्या सजेस्ट करते हो मैं बोलूंगा करके देख लो एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना ही पड़ना है कॉन्फिडेंस ही आएगा कि सारी चीज़ें कवर होती हैं आ गया कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में और अच्छे प्रिपेरनेस के साथ जाओगे टफ पेपर आया तो भी उससे अच्छे से तैयारी करके देकर आओगे क्यों क्योंकि तैयारी ऐसी थी अपना कॉन्फिडेंस था डर था ही नहीं नहीं देखा चले गए लगा रहे यार ऐसा तो नहीं आईसीआई एस में से आ गया क्योंकि नहीं है हो सकता है आपने पढ़ा हो आप उस समय भूल गए पर आपका कॉन्फिडेंस तम का वो आपको मार के ले गया ये प्रॉब्लम जाती ठीक है, है जी चलिए ओके okay, जी आ, शंका होना चाहिए सर बिल्कुल होना चाहिए मैं तो कहता ही हूँ यू शुड क्रॉस चेक देखो एक चीज समझो जब तक तुम क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे मेरे बोलने से थोड़ा ना कॉन्फिडेंस आएगा आई एम नॉट हियर दैट यू आर अ डिसाइपल एंड आई एम बेसिकली अ गुरु तो दैट कंसेप्ट डज नॉट होल्ड ट्रू राइट सो आई विल से यू बेसिकली टेस्ट एवरी पर्टिकुलर थिंग एंड देन यू डेवलप कॉन्फिडेंस देन यू विल हैव रियल ट्रस्ट ऑन द मटीरियल एंड वॉट वी आर डूइंग उसी के बाद आपका ट्रस्ट इधर आए या नहीं आए ज़्यादा जरूरी अपनी प्रिपरेशन पे आना चाहिए वो उसके बाद ही आएगा ठीक है सारे ऑल क्वेश्चंस में क्यूआर कोड है क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस हैं सब में आपको क्यूआर कोड है क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस हैं स्पेशल ऑडिट के टॉपिक्स छोड़ के सब कुछ क्यूआर कोड के थ्रू कवर्ड है आपको सब क्यू आर कोड मिलेंगे ठीक है प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी आपकी ऐप आप, मैंने बताया आपको ये आपको अलग से दी जाएगी जिस दिन ये प्ले स्टोर में आएगी इसमें एल और वो सारा एक्सेस आ जाएगा अभी प्ले स्टोर पर अपडेटेड नहीं है उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग चल रही है होम माई गॉड वंडरफुल चलिए तो आज का अपना पूरा डिस्कशन इंट्रोडक्शन में ही निकल गया वी रियली कु नॉट स्टार्ट एनी पर्टिकुलर थिंग बट लेट बी इट्स कॉल दिस एज द इंट्रोडक्शन लेक्चर इट्स दिस इज बेसिकली गिव यू जस्ट अ चिटचैट अबाउट वॉट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट तो फिर अब आज मैं अपना पहला टॉपिक शुरू नहीं करता अब वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक फ्राम टुमारो इट्सल्फ लेट इज कॉल दिस एज द लेक्चर जीरो और द इंट्रोडक्ट्री लेक्चर फ्राम टुमारो विल स्टार्ट विद आर डिस्कशन कल हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कोड ऑफिक्स से शुरू करेंगे पढ़ना हमें किससे होगा किताबें आपके पास जब भी मिल जाएँ वंडरफुल बेस्ट है आप तब तक क्या कर सकते हो मैंने आपके साथ एक ये लिंक शेयर किया है नोटेबिलिटी का यहाँ पे आपको कोड ऑफ एथिक्स के द्रोन चार्ट मिल जाएंगे जिसको बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कल आप चाहो तो उसका प्रिंट निकाल लो अदरवाइज उसको ऑनलाइन रेफर कर लेना किताबें जल्द आपके पास आ जाएंगी तो वहां से फिर आप उससे पढ़ सकते हो ठीक है चलिए लास्ट वन डे पे क्या सजेस्ट करते हो सर एग्जाम डे पे क्या ये सब आखिरी दिन ऑफ द क्लास आई विल टे ठीक है लास्ट डे ऑफ द क्लास आई विल बेसिकली टेल यू दिस बहुत बढ़िया दीपक दीपक ने कहा है सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो लगाना बनता है शब्बाश ये है मेरा रियल ऑडिटर स्टूडेंट आंसर में भी ऑडिट वेरी नाइस चलिए लॉस्ट वेट यस कोरोना टू लॉड ऑफ वेट फ्रॉम मी बट नवर द लेस चलिए लास्ट वन डे पे क्या सजेस्ट करते हो ये हो गया इज इट ओके टू टेक फास्ट बैक बैच ओनली इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल फॉर द फर्स्ट टाइम ओके एक ज्वलंत सवाल का जवाब दे दूँ मैं Very common question. <clears throat> A very commonly asked question is I am studying audit for the first time. Will your fast track batch be suitable for me? And the answer in one word is yes. Answer in one sentence is yes if you are short of time. And answer in explanatory form is A regular batch would ensure that everything including every question is covered in the class fast track batch will ensure everything with more focus on a category items lesser focus on c category items is covered in the class question and answer regular batch ki hi question bank di so you have the complete question and answer booklet with you but you will have to solve it on the own. We will guide every day with relation to what we have studied, what questions you have to do. After the class, we will do a 15-20 minutes discussion on the doubts which students have or any question which I particularly want to cover. But every question is not discussed in the class with saves time. Hence, if you are of a category that आई वॉन्ट कि क्लास के साथ साथ मेरे क्वेश्चन पूरा कंटेंट सब कुछ ए टू जेड अच्छे से डेप्थ में कवर हो जाए रेगुलर समय की शॉर्टेज है लिमिटेड टाइम में मैं करना चाहता हूं और क्योंकि समय की शॉर्टेज है तो मैं खुद अपने आप में समय का सदुपयोग करूंगा कि क्लास के साथ साथ डेली आप जो क्वेश्चन हो गए उस साथ साथ में प्रैक्टिस कर लूंगा उसके डाउट्स होंगे तो पूछ लूंगा या आपके डाउट सेशन सुन लूंगा देन इन दैट केस फास्टर बैच से भी आपका काम हो जाएगा इसके अलावा एक फ़र्क जो आएगा वो ये आएगा कि जो हमारा एज ए स्टडी मटेरियल जो डिटेल नोट्स वाली बुकलेट होती है वो फास्ट ट्रैक बैच में आपको नहीं मिलेगी जो रेगुलर में मिलती है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में थ्योराटिकल नेचर के टॉपिक्स हैं आपके वो पर्टिकुलर चैप्टर्स या वो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम लोग रेगुलर बैच में डिटेल नोट्स से कवर करते हैं फास्ट ट्रैक बैच में वी विल बी यूजिंग चार्ट फॉर इट क्वेश्चन आंसर्स उससे भी आपके बनेंगे ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे बट देन यस वहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आएगा इसके लिए आई कुड सजेस्ट कि आप चाहो तो इसे स्टडी मटेरियल अलग से ऑर्डर करके अपने पास रख लीजिए जब भी आपको लगे डिटेल में कोई चीज इलाबरेटेड फॉर्म में विद ग्रामर एंड सेंटेंसेस पढ़ना यू कैन क्रॉस रेफर टू दैट पर्टिकुलर बुक दिस इज योर आंसर टू वेदर फास्ट ट्रैक बैच वुड सफाइज फॉर मी इफ आई एम डूइंग ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम आई होप दैट आंसर्स ठीक है फास्ट ऐप आप तो आपको इमीजिएटली मिल जाएगा इन अ डे और सो सो फास्ट ऐप विल बी अवेलेबल टू यू नो वेरीज जो प्ले स्टोर पर आएगा वो पूरा ऐप होगा उसमें क्वेरी सॉल्विंग भी उसी में इंटीग्रेट हो जाएगी अभी जो ई मेल से हो रही है वो वहाँ से हो जाएगी प्लस एलिमेंट्स जो आप अलग से देख रहे हो वो भी वहाँ पे हो जाएगा बैकअप के लेक्चर्स भी वहीं मिलना हो जाएंगे तो अभी अपन कुछ कुछ चीज़ों के लिए बैकअप के लिए आप कंटेंट ब्राउजर में जाते हो तो वो चीज़ अब खत्म हो जाएगी सब ऐप पर आ जाएगी पर अब वो आई है मेरे हाथ में नहीं है थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है अपन अपने डेवलपर्स पर डिपेंडेंट है कहीं कुछ चीज़ रुक जाती है तो कई बार डिले हो जाता है तो लेट्स नॉट कमिट पर अभी आपका काम नहीं रुकने वाला है अभी लेक्चर्स भी कुछ स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सो ऑलमोस्ट आई एम सीइंग दैट थर्टी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सीइंग द लेक्चर ऑन द मोबाइल ऐप सो मोबाइल ऐप इज़ रनिंग एंड इट विल बी अवेलेबल ठीक है आप डाल दीजिए वहाँ विल शेयर दैट विद यू इफ फू नॉट ऑलरेडी इट ठीक है चलिए थॉट सर गॉड वी ट्रस्ट अदर्स ऑडिट ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ अपन आज का सेशन को इंक्लूड करते हैं आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप बता दीजिए मैं यहाँ पे दो पांच मिनट और रहूंगा और फिर कल से अपन छह से आठ अपना पूरा डिस्कशन रोजाना करेंगे टुमारो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू बी कोड ऑफ एथिक्स वी विल स्पेंड रफली आई थिंक थ्री लेक्चर्स ऑन कोड ऑफ एथिक्स समवेयर अराउंड टेन टू ट्वेल्व आवर्स इज कोड ऑफ एथिक्स वुड टेक थैंक यू पोल्स टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको अगर नहीं मिला है तो फास्ट लाइव बैच के स्टूडेंट का अलग है और सारे स्टूडेंट्स का एक दूसरा सेपरेट है तो ये आपके साथ एक बार आप स्टूडेंट केयर पे लिख दीजिए वो वहाँ से आपको शेयर कर देंगे ठीक है जी चलिए तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुमारो थैंक यू वेरी मच